आ रहा होगा शायद से अभी। हाँ चेक करते गाइस। हेलो, आवाज आ रही है अभी? आ रहा होगा शायद से अभी। हाँ अभी प्रॉपर आ गया है। काफी टाइम हो गया सेशन को चले, ठीक है आवाज नहीं आती मुझे, पता नहीं चला, मैं चेक भी नहीं करा था। चलो गाइस फटाफट अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल करना, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट जो है वेट कर रहे थे इस सेशन के लिए, एंड आई होप कि आज हम तबाही मचाने वाले हैं। बाद में आज का लेफ्ट क्या रहने वाला है, और ये लेफ्ट अगर आप करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि ना इसके इसी के थ्रू आप है ना नेक्स्ट लेवल पे हैकिंग जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है फटाफट अपन से क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट डाल दो यार चैट बॉक्स में प्रेजेंट सर, ताकि अपन स्टार्ट कर सके सेशन को अब, ठीक है। जैसे काफी लेट हो गया, ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट है हम आज, ठीक है। अब देखो मेरे आज के सेशन के लिए मैंने लैब जो प्रिपेयर करी है वो है मेरा काले लिनक्स पर्पल, शायद आपने इससे पहले मेरे सिस्टम में कभी देखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मेरी आज की लैब होने वाली है, ये कालिक्स पर्पल, जिसके ऊपर मैं जिसके जिसके थ्रू मैं ये परफॉर्म करने वाला हूँ प्रैक्टिकल। उसके बाद देखो मेरा दूसरा जो यहाँ पे होने वाला है विंडोज 11 मैंने लिया है, जो मेरी टारगेट मशीन होने वाली है, साथ में मेटा एक्सप्लोडेबल 2। अब आपका एक क्वेश्चन है तपन सर, यहाँ पे मेटा एक्सप्लोडेबल का क्या काम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बता रहा हूँ दीदी छोरा, अभी आप देख लो हमारा हमारा पूरा प्रैक्टिकल देख लोगे ना आप, तो समझ में आ जाएगा कैसे आपको स्टार्ट करना है। हेलो नेटवर्क चंक सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं थोड़ा दोनों की कॉपी करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अच्छा लगता है कि दूसरे कंटेंट को भी अपन लेकर आए अपने चैनल के ऊपर, इसलिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका हमें यूज करना है इस अटैक के दौरान। टारगेट मशीन मेरी होने वाली है विंडोज 11 और मेटा एक्सप्लोडेबल 2, और साथ में मेरा कालिनक्स होने वाला अटैकर मशीन। इसके अलावा लास्ट में आपको मैं एक और चीज के साथ में छोड़ के जाऊंगा, वो रहेगा आपका वो रहने वाला है कि इस प्रैक्टिकल को ओपन कर सकते हैं अमेजन AWS के थ्रू भी, ठीक है ना। अगर आपको इंटरनेट पे करना है, मतलब इंटरनेट के ऊपर आपको करना है, तो उस कंडीशन में आप अमेजन AWS अकाउंट का भी कर सकते हैं यूज। सर आज सुबह तो पेपर लेकर आए, हाँ बिल्कुल वो लेकर आए थे ना, बस वही वाला अभी वाला चल रहा है अभी, वर्ड किया पर कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। तो AWS के ऊपर कैसे नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो की मैं दो सीरीज बनाने वाला हूँ। एक वीडियो रहेगा आज वाला और एक रहेगा इसके बाद वाला AWS के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपको AWS पे भी चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद स्पैम मार देना कि तपन भाई AWS पे भी लेकर आओ वीडियो, तो अपन उस पर भी लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की लैब का कार्यक्रम, ठीक है। तो दादू मैं आपको, जब आप पर्पल कालिनक्स पर्पल अगर आप यूज कर रहे हैं ना, पहली बात तो मेरा बैकग्राउंड पर्पल आ रहा होगा, तो आज मैंने थीम के हिसाब से रखा है, ठीक है। तो पर्पल के अंदर दादू मैं आपको कि इस टाइप के कोई भी टूल इंस्टॉल नहीं आते। अगर आप पुराना कालिनक्स यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है चैलेंज एक्सेस, जो बीफ एक्सेस जो है ना चलाने में आपको चैलेंज होगा, कंफर्म बात है, मुझे भी हुआ था, ठीक है ना। मैं जो पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहा था कालिनक्स का, उसके जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, स्टार्ट करते हुए तो मुझे एरर आ रही थी वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मुझे एरर आ रही होगी तो फिर मैं उसको स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, और स्टार्ट स्टेटस ही नहीं दे रहा था वो उसका। भाई आप है ना बीच में स्पैम मत करो प्लीज़, ठीक है ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो अब बता दूं मैं आपको, आप है ना स्टार्ट करो, अगर आपके पास है कालिनक्स पर्पल तो आप इसके अंदर ये चीज़ ये टास्क आराम से परफॉर्म कर सकते हो, फ्लॉलेस चलेगा पर्पल के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने वाले वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टार्ट होने में ही दिक्कत आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, काली ओपन कर लेना। काली ओपन करने के बाद जब आप टाइप करोगे यहाँ पे बीफ, बिल्कुल भाई अब्दुल भाई इसके बाद में डालना, अब्दुल कादिर हमारे खुद के स्टूडेंट है, ठीक है ना। बीफ सुडो हाइफन बीफ हाइफन एक्सेस, ठीक है ना, ये टूल का नाम है बीफ हाइफन एक्सेस। जब आप इसको टाइप करोगे ना गाइस, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अगर आप कालिनक्स पर्पल यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस टाइम में सिर्फ आप टाइप करना बीफ हाइफन एक्सेस, जैसे आप टाइप करोगे एंड ये दिख रहा है ना अभी यहाँ पे ना ब्लू आ रहा है, ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये जो टूल है ना अभी इंस्टॉल्ड है। अगर ये ब्लैक होता ना तो इंस्टॉल नहीं होता ये, ठीक है ना। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको एनमैप, दिख रहा है ना अभी ब्लैक आ रहा है एनमैप, तो बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल नहीं, समझ जाना कलर कोड से समझ जाओगे आपकी ना कैसे की चीज़ है, ठीक है। कलर कोड समझ जाओगे आप कि ना बॉस ये ना ब्लैक है कि ये ना ये ब्लू है, ठीक है ना। ब्लैक है तो मतलब कि ये इंस्टॉल नहीं है टूल, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप जैसे अभी एनमैप दिखाता हूँ, एंटर मारो देखो ऐसे दिखाएगा ये कमांड सी एनमैप नॉट फाउंड, तो ऐसे ही आपके एक्सेस हाइफन बीफ दिखाएगा वो। तो उसमें कुछ मत करना, वाई करके इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सा है। उसके लिए आपको डालना पड़ेगा आपका पासवर्ड जो आपने स्टार्ट में क्रिएट करने के लिए डाला होगा, ठीक है। अभी पूछेगा एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, कर ले भाई इंस्टॉल कर लो। ऐसे मैं एनमैप करके दिखा रहा हूँ पर मेरे ऑलरेडी बीफ इंस्टॉल है, तो आपको भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है गाइस। तो एक बार जैसे ये बीफ इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद कोई पटलाई नहीं करनी। अगर आप देखेंगे ना दूसरे सिस्टम के अंदर, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डॉट
डॉट वाई एम एल फाइल में जाके, कॉन्फिग डॉट वाई ए एम एल फाइल में जाके चेंजेस करना पड़ता है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पर्पल यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे तो ये बड़ी वाहियात है, पर अगर मान लो आप इसका यूज़ कर रहे हैं ना, उस कंडीशन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको सिर्फ सिलेक्ट कमांड देना, सुडो स्पेस बीफ हाइफन एक्सेस। ठीक है, जैसे आप डालेंगे, डालने के बाद एंटर मारना है बस आपको। ठीक है ना, एंटर मारने का देखो भाई क्या करेगा ये, अपने आप चलाना शुरू कर दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब इसने चलाना शुरू कर दिया है। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मेरे फोन को, ताकि मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ सकूँ एट द सेम टाइम। ये एक्टिव स्टेटस दिख रहा होगा आपको, एक्टिव और रनिंग आ रहा होगा ये चीज। अरे रुक जा रहे भाई, देखो ऑटोमेटिकली इसने ओपन भी कर दिया। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको जब आप एक्सेस चलाओगे ना, मतलब बीफ चलाओगे, तो इसको मैं फुल स्क्रीन पर डाल दूँ ताकि आपको फील आ जाए बिल्कुल फुल स्क्रीन वाली। ठीक है, तो जैसे आप है ना बीफ चलाओगे, बीफ चलाते ही अगर आप पुराने वाले कॉलिनक्स में चला रहे हैं तो उसमें इशू आएगा, नहीं चलेगा वो। ठीक है ना, जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक्टिव जो दिख रहा है ना स्टेटस, एक्टिव के अंदर रनिंग जो है अभी स्टेटस, वो आपको नजर नहीं आएगा और अटक जाएगा वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, अगर आपको बेटर रहेगा कि अपग्रेड कर लो अपने काली को, या फिर आप है ना इस वाले पे स्विच हो जाना प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, स्विच हो जाओ तो अच्छा हो जाएगा। एक बार जैसे आप इसको टाइप करोगे, एंटर मारोगे, अपने आप दे देगा ये। ठीक है ना, इनिशियली मैंने इसको ऑलरेडी रन करा हुआ है, इसलिए ये मुझसे पासवर्ड री एंटर करने के लिए नहीं पूछ रहा, समझ जाओ इसको। जो इश्यूज मैंने फेस करे ना इंस्टॉलेशन दौरान, वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं पहले ही। ठीक है ना, ताकि अगर जब आप इंस्टॉल करने जाओगे ना तो आपको इशू आएगा वाला, कंफर्म आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी अभी इंस्टॉल करा आपसे सेशन से पहले। ठीक है, तो जैसे आप इंस्टॉल करने जाओगे तो वो बोलेगा कि ना आपको री एंटर द पासवर्ड, एक नया पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इसका बीफ बीफ होता है, तो बीफ बीफ एक्सेप्ट नहीं करता, इसको आपको नया पासवर्ड डालना पड़ता है जब इसको रन कर रहे होते हो तो। ठीक है, उस टाइम पे नया पासवर्ड सेट करना, जो भी आपकी मर्जी पड़े वो सेट कर देना उसके अंदर। सेट करने के बाद अब ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट रन करता है http://127.0.0.1:3000 बीफ का ऑफिशियल पोर्ट नंबर होता है। ठीक है ना, तो उस पर आप रन कर रहे हो प्लस स्लैश ला के UI/panel, ये आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ही ओपन हो जाएगा। तो मैंने अगर ये ऑलरेडी मेरे ब्राउजर में ओपन हो चुका है यहाँ पे, बस इसका काम इतना ही कंप्लीट हो गया भाई, इससे ऊपर कोई काम नहीं है इसका, जो है ना ये टर्मिनल का काम इतना ही है, इससे ऊपर कोई काम नहीं। मतलब इसलिए बीफ जो है ना मार्केट में बहुत तगड़े तबाही चलता है। अब बताऊंगा इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या अपन कर सकते हैं, सारे ऑप्शन अपन एक्सप्लोर करने वाले, काफी कुछ करेंगे, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेवल और लेकर आएंगे इसका, कहाँ पे AWS के ऊपर भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो होने वाली है जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी तो अपन इस पर देखने वाले, तो अब इसका बाय डिफॉल्ट लगा 127.0.0.1, तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे ब्राउजर में खुल चुका है, फायरफॉक्स बाय डिफॉल्ट ब्राउजर अपन यूज करते हैं। अभी देख लेते हैं अपन यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा नजर आएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब ये होता है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ ये इसका है बाय डिफॉल्ट रहता है 127.0.0.0.1:3000 और /UI/panel, ये इसका बाय डिफॉल्ट आपका जो रहता है ना URL रहता है। अब इसके बाद क्या है बेसिकली, आप देखेंगे बीफ जो है ना ये बेसिकली ब्राउजर एक्सप्लोटेशन फ्रेमवर्क है हमारा। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ब्राउजर में डेटा हुक करता है। ठीक है ना, लव फ्रॉम, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव फ्रॉम बांग्लादेश। तो बेसिकली आप इस वीडियो से स्टार्ट करो, फिर आगे आगे देखते चलो क्या क्या करना है आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बीफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ना बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर में हुक करेगा, और जब तक आपकी साइट ओपन है तब तक ये सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा आपके सिस्टम के थ्रू। मतलब ये क्या है कि इसके लिए ना आपको exe इंस्टॉल करना है, ना आपको कुछ भी नहीं करना भाई। मतलब अगर आप उस ब्राउजर में जाके ये लिंक भी ओपन कर दोगे ना, तो ये उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देगा। ये सबसे खतरनाक चीज होती है इस पर्टिकुलर, एक सेकेंड गाइज, मैं एक चीज करना भूल गया शायद से सेशन से स्टार्ट करने से पहले ही। हाँ ठीक है, मैं फॉर्म डालना भूल गया था, सॉरी, मुझे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म डाला ही नहीं आज आपने। ठीक है, तो मैंने फॉर्म डाल दिया है। तो भाई जिसको 1-to-1 कोई कोर्स करना हो तो भाई ये मैंने फॉर्म यहाँ पे डाल दिया आपके चैट बॉक्स के अंदर, तो जाके एक बार उसको है ना भर देना। ठीक है ना, ठीक है, अब इसे बैक टू द प्रैक्टिकल। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं, तो बेसिकली क्या करता है ये ब्राउजर के अंदर ओपन करना है, बस दैट्स इट। मतलब ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं, देखा होगा लिनक्स के ऊपर मैंने सिर्फ एक कमांड चलाया, और बेसिकली दो कमांड चला, एक इंस्टॉल करने के लिए और एक इसको रन करने के लिए, दैट्स इट, इससे ऊपर कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फिर डायरेक्टली मैंने इसको ब्राउजर पे ओपन कर लिया, अब GUI मोड पे आ गया, तो उस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो नेक्स्ट सेशन में लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के अंदर AWS पे अपन लेने वाले। तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो अपने कमेंट के अंदर आप जितने क्वेश्चन चाहो ना इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेना, वो सब करवा दूंगा मैं। टर्मिनल थीम अच्छा नहीं लगता है, हाँ टर्मिनल थीम अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद करना क्या है बेसिकली, अब आपको यहाँ पे आना है और ये दे रखा है कि बिफोर बीइंग एबल टू फुल्ली एक्सप्लोर द फ्रेमवर्क यू विल हैव टू हुक अ ब्राउजर, मतलब कि आपको ब्राउजर को हुक करना पड़ेगा अगर आपको इसको स्टार्ट करना है। टू बिगन विथ यू कैन पॉइंट अ ब्राउजर टूवर्ड्स अ बेसिक डेमो पेज। तो बेसिकली इसमें डेमो पेज दे रखा है वो आप कर सकते हैं यूज, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो आप अदर भी कर सकते हैं, मतलब अपना भी बनाकर डाल सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हुक्ड ब्राउजर में क्या क्या चीजें आने वाली है। यहाँ पे कमांड्स मॉड्यूल वर्क अगेन द टारगेट एंड शुड बी विजिबल टू द यूजर, ठीक है ना, इनविजिबल टू द यूजर। जो ग्रीन वाला रहेगा मतलब कि बॉस ये जो आप कमांड रहेगा ना, मतलब जिन जिन कमांड्स के आगे ग्रीन होगा समझ जाना ये मॉड्यूल वर्क करेगा उस टारगेट के अगेंस्ट में। जिसके अंदर ऑरेंज रहेगा वहां पे मतलब कि हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पहले तो वर्क करेगा ये टारगेट के अगेंस्ट में, और साथ में हो सकता है कि यूजर को भी किसी हद तक विजिबल रहे, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या देखा है कि द कमांड्स मॉड्यूल इज सेट इज येट टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट दिस टारगेट। हो सकता है कि आप जो टारगेट है आपका, हो सकता है कि वो विंडोज हो, ठीक है ना, हो सकता है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल हो, तो वो सब चीज़ें, ठीक है ना, मोबाइल हो तो, अगर मोबाइल है तो उस कंडीशन में वो वर्क करेगा नहीं करेगा ये बताएगा, क्योंकि ब्राउजर पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। द कमांड मॉड्यूल डज नॉट वर्क अगेंस्ट द टारगेट अगेंस्ट दिस टारगेट। तो बेसिकली अगर इस टाइप का डार्क ऑरेंज में आ जाएगा समझ जाना भाई ये काम नहीं करने वाला, ठीक है, पर तब भी आप ट्राई करके देख सकते हो। उसके अलावा अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी है इस टूल के बारे में, देखो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, अगर आप चाहो तो थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है ना। द नेटवर्क टैब अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद अ होस्ट ऑन अ लोकल नेटवर्क, यू हैव द ब्राउजर, ये सारे दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो फटाफट आते हैं लॉक्स, जो लॉक्स है बेसिकली ये जो अपन काम करेंगे वो लॉक्स में सेव होता रहेगा, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट लॉक्स दे रखा ही है, ठीक है ना, जो जो मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ दे रहा ही है, पर जैसे ही मान लो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्राउजर को हुक करूंगा तो उस ब्राउजर पे क्या क्या हो रहा है वो सब चीज़ दे दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा जॉम्बी, तो जॉम्बी भाई कौन कौन से नेटवर्क आपके बन गए, तो अभी तो ये मेरे पुराने नेटवर्क है, नए नेटवर्क अभी अपन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहला करता हूँ यहाँ से लेता हूँ, और अब मेरा जो विंडोज है ना, ये मेरा विंडोज 11 जो है, हाँ चला गया विंडोज 11, हाँ सर, क्रोम ब्राउजर मैं यूज़ कर रहा हूँ। बादू मैं आपको हर जगह ये एक्सप्लॉइट कर पाएगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ कमांड्स नहीं भी चलेंगे, कुछ कमांड अब हमारे अपन अपने ब्राउजर में चला रहे हैं, कुछ फायरफॉक्स में चलेंगे, इसलिए ये कुछ कमांड्स के ब्राउजर डिपेंडेंट है, फायरफॉक्स में चलेगा क्रोम में नहीं चलेगा, क्योंकि क्रोम में थोड़ी हाई सिक्योरिटी होती है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ थोड़ी तबीयत भी खराब है मेरी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे जाके, दिख रहा होगा आपको, पहले हम बेसिक पेज के ऊपर ले लेते हैं, तो बेसिक पेज अपन ओपन कर लेते हैं इसके नए पेज में। ये इसने एक बेसिक डेमो पेज दे दिया आपको, ठीक है ना, ये बेसिक डेमो पेज है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, पर इसके बैकएंड के अंदर इसने ब्राउजर में हुक कर दिया मेरे, और जैसे मान लो मैंने इसको अपने ब्राउजर में ओपन करा, इसने मेरे ब्राउजर को हुक कर दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे 127.0.0.1 आ गया यहाँ पे ऑनलाइन ब्राउजर में, क्योंकि भाई मेरा जो टारगेट है वो ऑनलाइन हो चुका है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऑनलाइन ब्राउजर मतलब कि वो ब्राउजर वो सिस्टम्स जो बेसिकली हुक हो जाएंगे वो ऑनलाइन में आ जाएंगे। अगर मान लो ब्राउजर ने लीव कर दिया, मतलब वो पेज को क्लोज कर दिया, तो वो ऑफलाइन में चल जाएगा, मतलब वहाँ पे काम नहीं करने वाला ये, नहीं ब्राउजर के लेटेस्ट वर्जन में डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ मतलब पर ये बोल देता हूँ मैं आपको कि लेटेस्ट वर्जन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये अभी जस्ट मैंने आधे घंटे पहले ही मैंने ये डाला है विंडोज 11 लेटेस्ट डाला है मैंने, और ये क्रोम भी मैं लेटेस्ट ही मैंने इंस्टॉल करा है, तो इसमें भी ये चल जाएगा, पर सारे वर्क करें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली आउटडेटेड वर्जन पे बहुत अच्छे तरीके सारे कमांड काम कर जाएगा, इसलिए जब आप चलाओगे ना तो यू विल फाइंड चैलेंजेस कि भाई कुछ टूल कुछ कमांड्स काम करें, कुछ कमांड्स काम नहीं करेंगे, तो अगर कुछ कमांड्स काम नहीं करें तो डरना मत कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा, होता है नए ब्राउजर पे नहीं होगा, ठीक है। प्लीज गाइस चैट बॉक्स के अंदर कोई अपना आईडी शेयर ना करें, ठीक है ना। उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर आप हमारे पर आ सकते हैं कि भाई यार आपके चैट सिलाइजेशन के अंदर मैंने एक बंदे से बात करी थी कुछ फ्रॉड हो गया, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आईडीज वगैरह शेयर ना करें अभी फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना, अब मेरे को जो इसको हुक करना है, तो अगर आप 127.0.0.1 से खोलेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए क्या करना, पहले अपने सिस्टम का आइडेंटिफाई कर लेना, अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई पहले अपने सिस्टम पर ट्राई करना, बाद में दूसरों को लिंक भेजना, ठीक है ना। एक तो लिंक भेजा चलानी तो बेइज्जती और हो जाएगी, और चार लोगों के बीच में मतलब दिक्कत और हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए तो अपना दे देते हैं यहाँ पे, तो पहले अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, एक सेकंड इसको क्लोज करता हूँ मैं, इसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है हमारा ये न्यू टैब, ओपन कर लेते हैं अपन इसी के अंदर, ठीक है।
आईपी एड्रेस नाम देता हूँ मैं ताकि मैं भूलूँ नहीं, कई बार बहुत सारे टैब होते हैं ना तो फिर चक्कर पड़ जाता है भाई क्या है इसका। ठीक है तो इसका नाम देता हूँ मैं क्या है ये V-XSS। ठीक है चलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ IF कॉन्फिग करके भाई, सब करा दूंगा मैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला भी काम हो जाएगा, वो नेक्स्ट सेशन में होगा जब अपन AWS यूज करेंगे, उसके अंदर भी अपन ये वाला काम कर देंगे। ठीक है ना सारे IF कॉन्फिग, सारे मैंने कमांड गलत टाइप कर दिया। ठीक है अभी देखा 192.168.2.0.137 तो ये मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है। ठीक है तो 137 ही आपको यूज करना है यहाँ पे ब्राउजर में, अभी दिख रहा होगा आपको कंट्रोल के अंदर। भाई जिसको कोई कोर्स करना है चैटबॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, 1-to-1 कोर्स करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है, जाके भर देना। अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर आ रहा है 127.0.0.1 पर, वहीं अगर मैं इसको IP एड्रेस डालूंगा यहाँ पे, और एक ब्राउजर में एक से ज्यादा मत खोलना वरना ब्राउजर खुद कंफ्यूज हो जाएगा भाई करना किसके अंदर है, तो फिर उसके बाद है ना कुछ भी नहीं चलेगा आपका। पहले बोलता हूँ मैं आपको, अरे रुक जा रे भाई, 192.168.2.0.137 ठीक है, जैसे मैं इसको डालूंगा, हाँ ठीक है परफेक्ट है, डालने के बाद जैसे डालूंगा मैं और एंटर मारूंगा, अब देखो ये चल गया यहाँ पे, ये रन हो गया, बस ये सिंपल सा इतना सा पेज आएगा, कुछ नहीं आएगा आपको, मतलब यही एक पेज खुलेगा बस। या इट वर्क्स ऑन अ पब्लिक नेटवर्क डेफिनेटली। अब देखो आगे ना यहाँ पे 192.168.2.0.137 तो मतलब कि यहाँ पे इसने इसके ब्राउजर को हुक कर दिया। ठीक है तो वैन यू क्लिक ऑन इट, अब देखो रहा है अभी 127 वाला है ना नीचे चला गया क्योंकि ऑफलाइन, क्योंकि मैंने उस ब्राउजर को उस पेज को क्लोज कर दिया। ठीक है समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ना पेज पे जो यूजर जाएगा दवा लेना हाँ भाई दवा लेंगे जरूरी है। ठीक है तो अभी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वरना सो जाता हमें सेशन में। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन में नजर आ गया, जैसे ही ब्राउजर क्लोज होएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ऑफलाइन में चल जाएगा, और अगर लाइव होगा अभी टारगेट आपका तो ऑनलाइन में शो करेगा आपको। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, बस ये पेज ओपन कर देना सिस्टम में जाके, या आप मैनुअली भी कर सकते हैं, सिस्टम में जाके पेज ओपन कर दो बस, दैट्स इट, उसको बोलो भाई पेज ओपन कर ले। ठीक है ना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा सा कोई काम नहीं करा अपन ने, और पेज ओपन होने के बाद सिस्टम का पूरा एक्सेस है गाइस इसका, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी तो मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा आपको नेटवर्क नेक्स्ट वाले पे। हाँ थैंक्स सर, बट एक बात पूछो कि वाइफ को विक्टिम क्या किया कर रहे हो, अपने अतरंगी दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये चीज़ है ना, कल नेक्स्ट सेशन जो होगा मेरा उसके अंदर मैं आपके ऊपर करके दिखाऊंगा लाइव आपके फोन पे ये चीज़। ठीक है ना, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर होगा ये चीज़। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या इसके बारे में डिटेल आ गया, अब इसके बाद क्या करना अपन को, ये इसको कॉपी कर लो, और फिर आपको क्रोम दे रखा है, ये विंडोज 11 दिख रहा होगा, ये विंडोज 11 है, इसमें जाके मैं टाइप कर देता हूँ इसको। ठीक है इसको डालने के बाद अब दिख रहा है आपको यहाँ पे हुक हो चुका है ये। ठीक है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, दिख रहा है आपको 138 इधर भी आ गया। ठीक है तो इधर भी आ गया, तो बेसिकली इस तरीके से आप है ना मल्टीपल ब्राउजर को हुक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दबन भाई, ठीक है हुक तो हो गया, मतलब लिंक भेजा क्लिक करा उसने ओपन कर लिया ब्राउजर में, हुक हो गया, पर हुक होने के बाद क्या क्या डिटेल निकाल सकते हैं, कैसे कैसे इसको काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर अब डिटेल में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है अब करना क्या, ये तो था प्रॉपर इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कि भाई कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको रन करना है, क्रिएट करके कैसे सेंड करना, इतना काम समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि ना ये जो अपना हो गया दो चीज, अब इसके अंदर आपने यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने अभी फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ हमारे काली के अंदर, और विंडोज में मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ब्राउजर आपको दिख जाएंगे, दोनों ब्राउजर में क्या क्या इंपैक्ट होगा वो भी नजर आ जाएगा आपको। तो अभी पहले मैं करता हूँ अपने वाले सिस्टम के ऊपर ही, और ये जो है ना मेरा 137, ठीक है 137 मैं इसी पे करता हूँ, तो 137 मैं अपने ब्राउजर में ही कर रहा हूँ इस वाले पे, तो मैं फुल मोड पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने 137 पे क्लिक करा तो एक तो आ रहा है यहाँ पे डिटेल, क्या क्या डिटेल वहाँ मिली है अपन को दिख रहा होगा, ये सब डिटेल आई है उसके। ठीक है देखो यहाँ पर आ गया डेट एंड टाइम, मतलब ब्राउजर का टाइम स्टैम्प जो है वो दे दिया मैंने। ठीक है ना, ठीक है उसके बाद देखो नीचे आ गया, फिर उसके बाद दे रखा यहाँ पे दिख रहा होगा ब्राउजर इंजन दे दिया इसने, उसके अलावा यहाँ पे ब्राउजर नेम रिपोर्टेड दे दिया इसने, फायरफॉक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउजर प्लेटफॉर्म तो कौन सा प्लेटफॉर्म है ये लिनक्स बेस्ड है। ठीक है ना, तो मतलब मेरा टारगेट मशीन जो है वो लिनक्स पे है। ठीक है उसके अलावा देखो यहाँ पे कौन कौन से
ब्राउजर प्लगइन दे रखे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लगइन चेक करना, क्योंकि प्लगइन के हिसाब से आप अटैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्लगइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे कौन से प्लगइन्स मेरा अभी इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट मेरे ब्राउजर के अंदर। तो पीडीएफ व्यूअर है, क्रोम पीडीएफ व्यूअर है, क्रोमियम पीडीएफ व्यूअर है, माइक्रोसॉफ्ट एज पीडीएफ व्यूअर है, और वेबकिट बिल्ट इन पीडीएफ है, ठीक है ना। तो पीडीएफ के लिए ही स्पेशली दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये दे रखा है कि ब्राउजर कुकीज दे रखा है यहाँ पे, बीफ हुक, तो यहाँ पे कुकीज के अंदर अपन ने सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बिल्कुल लेकर आएंगे भाई, बिल्कुल लेकर आएंगे भाई। कैप्टन भाई फोकस करो अभी क्लास के ऊपर, ठीक है ना। ब्राउजर का आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको आई पी एड्रेस है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि होस्ट का पोर्ट नंबर दे दिया आपको, ठीक है ना। तो ये मैंने अपने सिस्टम में भी कर लिया ना, इसलिए भाई जिसको कोई कोर्स वगैरह करना है तो प्लीज फॉर्म दे रखा है, फॉर्म भर देना, चैटबॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। इवन अगर आप चाहें मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना, अगर कोई कोर्स करना है तो व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है मैंने यहाँ पे 9680100687, इस पर जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये ब्राउजर टाइटल क्या दे रखा है यहाँ पे, और फिर दे दिया इसने। उसके अलावा देखो यहाँ पे ब्राउजर का URI दे दिया इसने, ब्राउजर विंडोज URI, तो ये दे रखा है आपका, ये सब डिटेल दे दी इसने एकदम से एक ही बार में, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हार्डवेयर GPU वेंडर दे दिया इसने, तो दे दिया इसने कि भाई ये VMware पे चल रहा है तेरा, ठीक है ना। हार्डवेयर टाइप भी दे दिया इसने यहाँ पे, वर्चुअल मशीन, और साथ में लिनक्स दे दिया इसने, ठीक है। तो ये चीज़ तो उसने दे दी इसने भाई, बढ़िया डिटेल हमें। अब डिटेल के बाद हमें क्या करना है, लॉक्स। तो लॉक में बेसिकली क्या है कि ना क्या क्या काम कर रहे हो आप इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेव होती है, दिख रहा है ना यहाँ पे, जो भी आप काम करोगे आप सीधे के सीधे ब्राउजर में इसकी लॉग में सेव होता चल जाएगा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया, आपने इनपुट पे क्लिक करा होगा, कहीं पे इनपुट पे ओके पे क्लिक करा होगा, वो चीज़ दे दी आपको, ठीक है ना। फिर प्रिटी थेफ्ट, यहाँ पे जो जो मैंने काम करा वो सब दे दिया भाई इसने, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ दे दी इसने। अब क्या करना है मुझे इसके और दो पीछे और दे दिए मुझे, ये तो मेरे पहले वाले, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, कमांड्स पे जाना है, ये सारे कमांड्स बेसिकली अपन रन कर सकते, दिख रहा होगा आपको ये सारे कमांड्स, ठीक है ना। अब कुछ कमांड दिखाता चलता हूँ मैं आपको, और थोड़ा आइडिया देना चलूंगा मैं आपको कमांड से पहले। प्रॉक्सी भी दे रखा है यहाँ पे, एक्सरे और नेटवर्क दे दो, क्योंकि कैसे आपने हुक कर रखा है, ठीक है ना। तो यह ब्राउजर हुक 20 ब्राउजर हुक और 192 और 000 और 8 ये नेटवर्क अपन ने यूज़ करा है, ठीक है ना। और फिर ये दे रखा है आपका आईपी एड्रेस सेम विथ 138, क्योंकि 138 तो दूसरा वाला सिस्टम है, तो मेरे सिस्टम का है, तो नेटवर्क चेक करोगे तो यहाँ पे पूरा दे रखा है आपका, ठीक है। प्लस होस्ट के बारे में डिटेल दे रखी है, होस्ट है आपका विंडोज 10 पे काम कर रहा है, डेट और टाइम आ गया, लास्ट सीन, और सर्विसेज कौन सी रन कर रही है, तो अभी कुछ सर्विसेज रन नहीं कर रही है। अमर भाई आपने लिखा तो बहुत बढ़िया है पर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल अमर अपनर वीडियो गुलो खूब व्लॉग क्या वालो लागे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। समझ में नहीं आया पर थोड़ा सा बहुत बढ़िया लगा, अच्छा अच्छा लगा, है ना। अब चलो आ जाओ, ठीक है ना, मुझे हिंदी ट्रांसलेशन डाल देना कोई प्लीज़, अगर कोई हो कॉल करता से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। अब देखो यहाँ पे अपन आते हैं कहाँ पे, कि भाई अपन कमांड्स पे आते हैं। कमांड्स पे देखो यहाँ पे बहुत सारे कमांड दे रखे हैं, बाद में आपको सारे कमांड चलें ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तब से सारे कमांड चल जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सारे कमांड नहीं चल सकते, उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि आप जो ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्राउजर जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन का हो, तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये वल्नरेबिलिटीज मतलब बग्स क्रिएट करता है, मतलब ये आपके ब्राउजर में हुक करने के बाद अगर ब्राउजर आपका अपडेटेड होगा तो ये काफ़ी कुछ कमांड्स रन कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे सामने, ब्राउजर के लिए दे रखा है, तो ब्राउजर में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये सब जो है ना चल सकता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सब जो है ग्रीन ग्रीन, अब जो आपने दिखाया था ना मैंने आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ग्रीन का मतलब क्या है, उसके अलावा दूसरे का मतलब क्या है, तो ये ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे आ गया ग्रे फॉर लाइट लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज, डार्क ऑरेंज तो मतलब कि भाई चलेगा ही नहीं है ऐसा ये बोलता है, ठीक है ना। तो वो दे रखा है और ये दे रखा है यहाँ पे, ये कन्फर्म नहीं है टारगेट एक्सपेक्टेबल में, पर ये कन्फर्म नहीं है, एक बार ट्राई करना पड़ेगा इसको, और ये शायद चले शायद ना चले ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो अभी अपन ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर वन बाय वन सारी चीज़ लेके चलेंगे अपन, ये ब्राउजर के ऊपर आएगा, तो ब्राउजर के अंदर अपन करेंगे क्रोमियम एक्सटेंशन के लिए, इसमें तो सब में मना कर दिया भाई, कुछ ना चलेगा भाई, तुम छोड़ो इसको, क्रोम एक्सटेंशन अगर होंगे तो चल जाएगा, क्योंकि कई बार अपन लोग बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ना ब्राउजर में, तो उसके लिए दे रखा है। उसके अलावा डिबग के लिए दे रखा है, तो डिबग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, सब चले ना चले कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना, टोटली डिपेंड करता है ब्राउजर के ऊपर।
फिर एक्सप्लॉइट दे रखा है, एक्सप्लॉइट अगर कुछ चल रहा है तो इसके अंदर, फिर होस्ट दे रखा है यहाँ पे होस्ट के लिए, काफ़ी कुछ दे रखा है, कुछ कुछ ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे होस्ट के लिए दे रखा है पूरा पूरा, और फिर आई पी ई सी दे रखा है ये, फिर आपका मेटा एक्सप्लॉइट का भी दे रखा है अपन ने, फिर MISC दे रखा है, ऐसे अलग अलग उसने ऑप्शन दे रखे। ये सारे कमांड्स हैं, आप सबको ट्राई कर सकते हो चला चला के। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ठीक है ना, पर आप ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने 10 दिन पहले अपडेट कराओ, 20 दिन पहले अपडेट कराओ, या फिर अपडेट ही ना कराओ, या फिर पुराना यूज़ करो या लेटेस्ट यूज़ कर लो, सब पे अलग अलग चलेगा ये, ठीक है ना। तो जो मैं दिखाऊंगा शायद वो जरूरी नहीं कि आपको चलेगा, आपको ट्राई कर देखना पड़ेगा, पर ट्राई करना आपको आना चाहिए, दिखा दूंगा मैं किसी को ट्राई करना। नेटवर्क दे रखा है, अगर आपने, इसलिए बोलते हैं कि ना कभी भी कोई अननोन लिंक को कंपनी के नेटवर्क में जुड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर आपने देखा, हो सकता है कि आपने ये लिंक ओपन कर लिया, तो फिर वो बंदा आपके नेटवर्क में एंटर कर जाएगा, फिर वो आपके नेटवर्क में सारे सिस्टम्स को एक्सेस भी कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ दे रखा है, फिर पर्सिस्टेंट दे रखा है, ये और ये दे रखा है, दो चीज़ चलेगी, और फिर कन्फर्म क्लोज टैब और सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। सोशल इंजीनियरिंग लास्ट वाला दे रखा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू फिशिंग पेज वगैरह डिज़ाइन करना, वो सब चीज़ें, फेक नोटिफिकेशन वगैरह देना, ठीक है ना, वो दे रखा है, प्रिटी थेफ्ट दे रखा है यहाँ पे, रिप्लेस वीडियो फेक प्लगइन है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वन बाय वन स्टार्ट करते सब पे प्रैक्टिकल करना, जो जो चलता है अपने सिस्टम पे, ठीक है। चलने के लिए कुछ नहीं करना अपन को, सिर्फ आपको ब्राउजर पे यहाँ, जैसे यहाँ पे जाना, या जाने का लगता है कि भाई मुझे कुछ भी चलाना, जैसे लेट्स सपोज नहीं चाहता, हुक्ड डोमेन दे रखा है यहाँ पे, तो गेट कुकीज़, तो कुकीज़ के लिए यहाँ पे दे रखा है, डायरेक्ट क्लिक करके आप, एक मिनट जाओ, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। हाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना अपन को। गाइस जिसको फीस वगैरह के बारे में जानना है, फॉर्म दे रखा है भाई, फॉर्म भर दो, क्योंकि मैं फीस बताने बैठ जाऊंगा तो सेशन खो बैठ जाऊंगा मैं, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि सेशन खराब हो। तो प्लीज़ आपको जो भी इंक्वायरी ना, कोर्स की पर्सनल मल्टी वन कोर्स करना है, गाइडेंस चाहिए आपको, 12th कंप्लीट कर लिया सर आप क्या करें, कुछ भी पूछना है फॉर्म भर देना, सारी डील मिल जाएगी आपको, मैं पर्सनली कुछ बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, बहुत सारी चीज़ दे रखी है, नीचे आगे देखें अपन, पहले आप जो बेसिक से स्टार्ट करें वो करें क्रिएट अलर्ट पॉपअप, ठीक है ना, पहले स्टार्ट इसे करना, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि बॉस मेरा जो एक्सप्लॉइट है प्रॉपर रन कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं 138 पे, 138 मेरा क्या है, ये वाली चीज़ है, ये वाला ब्राउजर मेरा 138, क्रोम की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है ब्रीफ बीफ अलर्ट डायलॉग, तो ये बेसिकली क्या है, अलर्ट बॉक्स दे रखा है, जैसे अपन क्रॉस डिस्क्रिप्टिंग में अलर्ट दिखाते ना, सेम वैसे यहाँ पे भी अलर्ट दिखाएगा वो, ठीक है। तो अलर्ट के लिए जैसे डालता हूँ मैं, हमारे यहाँ पे कोई भी मेरा एक दोस्त है, जैसे हैकर स्पाइडर इज हियर, ठीक है, भाई का अपना नाम ले लिया, जो अपने भाई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने नाम ले दिया, हैकर स्पाइडर इज हियर, और मैंने इसको ऐसे डाल दिया मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। जब मैं कमांड को एग्जीक्यूट करूँ, दिख रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड आ रहा है, तो कमांड वन कमांड टू, ऐसे मल्टीपल कमांड आती चल जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है ना। कमांड वन कमांड टू, अगर आप तीन बार करेंगे इसको तो तीनों बार आ जाएगा ये, ठीक है ना, तीनों बार आ जाएगा यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट करते हैं अपन, इसे मैंने क्लिक करा एग्जीक्यूट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसा भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, दो कमांड हो गया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ चले ना, ठीक है। इसके लिए क्या करना, दोनों चीज़ में ट्राई करके देखना, आपको इधर भी ट्राई करना उधर भी ट्राई करना, तो समझ में आ जाएगा आपको कि चलेगा या नहीं चलेगा। इसी रुक जाओ, हाँ 138 एक बार ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर। देखो अभी यहाँ पे ना बिल्कुल नहीं चला, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, पर आप वही चीज़ आप इसमें ट्राई कर देखें अपन एक बार, वन थर्टी सेवन पे जाके अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार सेम ही चीज़ को। ये इश्यूज आपके साथ में भी आएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना कि जो बता रहा हूँ मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई ऐसा नहीं कि यार सिर्फ मैं स्किप मार के वो चीज़ दिखाऊँ जो मेरे चल रही हो, तो जो जो नहीं चलेगा पता चलना चाहिए ना क्यों नहीं चल रहा, वो चीज़ है क्रिएट अलर्ट डायलॉग। तो डायलॉग यहाँ पे दे रखा है, या फिर प्रॉम्प्ट करने के लिए भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे अब बॉक्स दिया इसने, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको एंटर करना है ना टेस्ट, तो यहाँ पर आ गया। ऐसे ही आपके अलर्ट डायलॉग बॉक्स में जाओगे आप, बी डायलॉग शुरू करता हूँ मैं,
आ गया, दिख रहा है आपको डीफ अलर्ट बॉक्स। तो बेसिकली ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, उधर थोड़ा सा इशू आ रहा है इसको, इसलिए आप इसको दोनों पे ट्राई करना ये चेक करने के लिए। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले हुई है राम भाई क्लास स्टार्ट, ठीक है ना, तो इसलिए सर आईपी एड्रेस 138, हाँ बिल्कुल 138 मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है ना, इसलिए 137 तो मेरे इस मेन मशीन का ही आईपी एड्रेस है, इसको मैं कर रहा हूँ अभी 138 पे जाके मैं करूँगा इसको। तो देखो यहाँ पे जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ सेम इशू आपको भी आएगा प्रैक्टिकल करते वक्त, ध्यान रखना। तो ऐसे मैं सोचना रहता है यार नहीं चलेगा फिर क्या होगा, जाके मारते हैं एग्जीक्यूट एक बार और थर्ड वाला, लेट्स सी। अभी नहीं कर रहा देखो यहां पे ना, नहीं कर रहा अभी भाई, क्या कर रहे हैं यहां पे अपन प्रॉम्प्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन टाइप करते हैं प्रॉम्प्ट टेक्स्ट एंटर पासवर्ड हियर, लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा उस पर। ये वर्क ही नहीं कर रहा है इस पर, रुको एक मिनट नया वाला लेने दो मुझे। एक सेकंड रुक जाओ, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर मान लो ऐसा कभी दिक्कत आए तो एक बार आप जैसे तुम रीड हो गया, एक बार कॉपी करता हूं मैं इसको, ठीक है। शायद इसमें ऑलरेडी सेशन मैंने स्टोर करा हुआ है इसलिए शायद दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना। तो क्या करें आप इकोनो मोड एक बार ट्राई कर ले, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से वहां जाके, ठीक है। देख रहे हैं दो सेशन आ गया अब इसके, अपने आप एक जो छोटे टाइम में अपने आप चल जाएगा। अरे रुको भाई जो चल रहा पहले वो देख लो, उसके बाद जाके दूसरे टॉपिक की डिमांड करना, ठीक है। आगे दिख रहा है आपको यहां पे, अब ये आ गया है। अब देखो यहां पे इशू पता है क्या आ रहा, मतलब ये बहुत जरूरी है ये चीज आइडेंटिफाई करना। कई बार आप चला के बोलोगे तो पता चल नहीं रहा आपका प्रैक्टिकल ही नहीं चला, तो ऐसा नहीं प्रैक्टिकल नहीं चला। अब बताओ इसमें इशू क्या हुआ, जब भी आप इसको हुक कर देना तो कुकीज में एक वैल्यू सेट कर देता है। तो क्या करा था मैंने कि सेशन से पहले मैंने ट्राई करा था कि वर्क कर रहा ही नहीं कर रहा, तो जब मैंने वर्क कर रहा नहीं कर रहा ट्राई करा तो उसने ऑलरेडी सेशन में मेरे स्टोर कर दिया। तो जिसकी वजह से जब मैं वापिस से मैंने रीस्टार्ट करा मेरे उस वाले टूल को रीस्टार्ट करने के बाद है ना, कुकीज तो वही पुरानी रह गई तो वो इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा उसके अंदर नई चीज। तो इस कंडीशन में वो जो कमांड्स भेज रहा वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने क्या करा, इकोडेटा मोड यूज करा जिसके अंदर कुकीज कभी स्टोर ही नहीं होती है। फिर मैंने जब डाल के ट्राई करा तो फिर ये काम चल गया, समझ में आ गया। तो क्रोम में दिक्कत नहीं आती है, ये आपको लॉजिक समझना पड़ेगा ये क्यों नहीं चला। बहुत सारे वीडियोस के अंदर क्या होता है सीधे पटे लिखा देते भाई ये चल गया, पर आप ये देखो किस कंडीशन में नहीं चलेगा। जब आपको पता रहा किस कंडीशन में नहीं चलेगा, दैट इज द बेस्ट वीडियो आई थिंक सो, ठीक है। तब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये चीज जो है बीफ अलर्ट डायलॉग अभी चल रहा है। अब वही चीज अगर मैं दूसरे प्रैक्टिकल भी ट्राई करूँ यहाँ पे, तो लेट सपोज क्रिएट प्रॉम्प्ट डायलॉग, तो जब पहली बार आप किसी के ब्राउजर में करोगे आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर टेक्स्ट टाइप करना चाहो तो उसको ना उसकी कुकीज को क्लियर करवा देना एक बार, ठीक है ना। तो वो चीज है। अब देखो यहाँ पे देते हैं अपन एंटर पासवर्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और चेक करता हूँ करके एक्सक्यूट मार के, मैंने कमांड ट्राई करा आ गया यहाँ पे, अब सब चलेगा भाई, मतलब जो चीज़ें हैं ना काम की चीज़ें वो सब चलेगी आपकी। तो ये इशू जो था ना ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने लेके बैठा, वरना मैं स्किप मारता इस चीज़ को। ये बोल के कि ब्राउजर का इशू है, ब्राउजर में होता है, अरे ऐसा नहीं होता भाई, टेक्निकल बंदे हैं सारे बंदे टेक्निकल वाले देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे दिया अपना, तो ये आ गया पूरा हमारा। यहाँ पे अपन जो भी डालोगे, से मैंने डाला कि ना एंटर पासवर्ड ईयर, तो मेरा पासवर्ड जो है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा पासवर्ड है टॉमी शोर, ठीक है। ये मेरे सब्सक्राइबर का एक ना नाम है, ये नीचे लिखा हुआ है टॉमी शोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ओके जैसे मैं करूँगा तो देखो आप यहाँ पे जाने के बाद लॉक्स में जाओगे ना आप, तो नीचे आते अपन, फिर आपको क्रिएट डायलॉग सक्सेसफुली क्रिएटेड सब आ जाएगा यहाँ पे भाई, सब आ जाएगा यहाँ पे। विंडोज के लिए है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सर डील आपकी यहाँ पे आ रही है, जो आप कर रहे हो यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश ही मार लो इसको, ताकि नेक्स्ट जो सॉरी नीचे वाले से रिफ्रेश वाला बटन था, एक सॉरी सॉरी सॉरी
लॉक्स, ठीक है यहाँ पर आ गया, रिफ्रेश करते हैं अपन। इसे रिफ्रेश करने के लिए डायरेक्ट आप ये यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी डिटेल आती है कि आपने क्या करा, दिख रहा है ना, ये एग्जीक्यूट करा, ये सारा काम करा अपन ने। अभी एक पेज दिखा रहा है ये, लेटेस्ट दिखाते हैं यहाँ से भाई, लेटेस्ट चलो, ठीक है। तो यहाँ सब दिखा रहा है आपका, ओके। तो भाई अप्रॉक्सीमेट होती है कुछ 10:30-11 बजे के आसपास, ठीक है। समझ में आ गया अला कि समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब ये होने के बाद देखते हैं नेक्स्ट अपन और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे ब्राउजर में जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको सबको आप ट्राई करके देखना है वन बाय वन, जो जो आपको दिख जाएगा उसके अंदर आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। आप देखो नीचे अपन आते हैं, प्ले साउंड वगैरह एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। रीराइट HTTPS अपने मेन मशीन में ट्राई मत करना, कहीं अगर इसने रीराइट कर दिया एक्चुअल में तो हर बार डाइवर्ट होगा आपका उसी पर्टिकुलर लिंक पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे और अगर देखा है कि गेट फॉर्म्स वैल्यू, फॉर्म्स वैल्यू भी ले सकते हैं अगर अपन उस पर्टिकुलर पेज पे कोई वैल्यू वगैरह है तो वो चीज़। तो मान लो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जाते हैं अपन, हाँ एडवांस डेमो पेज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जाके अपने दिख रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर करने का, जैसे अपन डालते हैं, अपन क्या मांग रहा है उसके बाद, मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर डालूँ मैं अपना, डाल रहा हूँ 9680100, अरे क्या टाइप ही नहीं हो रहा, शिट न्यूट्रो मोड ऑन हो गया, 9680100667, ठीक है ना। ये वो नंबर है जिस पर एडमिशन के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब उसका एड्रेस दे रखा है नदीम भाई, काफ़ी लोग जो है ना बिगिनर्स लेवल से भी, तो मुझे जीरो से लेकर चलना पड़ता है, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। एड्रेस दे रखा है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दो आप, मुंबई, क्रेडिट कार्ड जो भी आपको डाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, जैसे गेट फॉर्म वैल्यूज, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और भी डिटेल ले सकते हैं आप, इवन आप है ना पेज के पेज का डेटा जो आप फैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से आप, दोनों चीज़ें पॉसिबल है आपके। दो दो कमांड मैंने बाहर भेज दिए की बार में, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इंप्रो डेटा लिंक्स, सॉरी ये पेज के एच रेफरेंस लिंक दे रहा है, ठीक है ना। जितने भी पेजेस में लिंक अवेलेबल होंगे सारे दे देगा ये आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल दे दिया इसने, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इवन आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ये कमांड रिजल्ट्स और ये एग्जीक्यूट री एग्जीक्यूट, तो आप इस बार ट्राई कर सकते हैं कि भाई क्या क्या उसमें चल रहा है, ठीक है ना। अब सॉरी कहाँ चला गया, विंडोज ही कर रहे हैं अभी फिलहाल अपन, ठीक है, बाय नाउ, ठीक है। तो कर दो री एग्जीक्यूट, यस बिल्कुल आपने सही बोला कि जैसे आप इसे क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही है अपनी, ठीक है ना। इवन आप इसको लॉग में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लॉग भी रिफ्रेश नहीं हुई अभी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिफ्रेश होने में, 1 से लेकर 28 एक पेज हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ पूरा दे रखा है इसने, दिख रहा होगा आपको इनपुट योर नेम नजर आ रहा है आपको, तपन डाला मैंने टाइप करा, तो ये सारी चीज़ कैप्चर भी करता है, थैंक यू सो मच नीमो प्लेस, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आ गया आपका नाम आ गया पूरा, फिर आप नीचे आ जाए अपन, तो जो नंबर टाइप करा वो भी आ गया, दिख रहा होगा आपको नीचे, दिख रहा है आपको, तो वो जो भी टाइप करेगा ना उस पेज पे वो सब यहाँ पे आता रहेगा। तो दिख रहा होगा आपको एड्रेस मुंबई, वो सब चीजें दे दी है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। हाँ भाई गौरव भाई, मैं विंडोज 11 में दिखा रहा हूँ ये आपको करके, ये जो ना विंडोज 11 ही है भाई, थोड़ा और गौर से आप स्क्रीन पे देखेंगे तो विंडोज 11 ही है ये, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सारी चीज़ आ गई यहाँ पे, तो ये सारा आपको प्रॉपर तरीके से काम कर जाएगा आपका, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं अपन, तो और भी बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे ना कमांड्स हैं, ठीक है। इन सबको एक बार वन बाय वन आप ट्राई करके देखना, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। रिप्लेस कॉम्पोनेंट दे रखा है यहाँ पे, रिप्लेस ब्राउजर, रिडायरेक्ट ब्राउजर, ठीक है ना, ये भी देखा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ना आप, जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ पे ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करें, इसको रिडायरेक्ट करें किसी और वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे मैंने डालता अपनी, जिसको नहीं पता, ESD Academy में जाके आप कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई इसको आप HTML के थ्रू आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसको करना, ठीक है ना। दोनों में काम करेगा ये, लैंड में भी काम करेगा, वैन में भी काम करेगा, ठीक है। HTML एडिटिंग ही है बस, आपको कुछ बड़ा कोई काम नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। देखो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ASDAcademy.in आ गया आपका, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा, वेट करते हैं इसके लिए, रिडायरेक्ट हो गया ये। तो इस तरीके से बेसिकली आप किसी भी यूजर के मोबाइल पे चल रही वेबसाइट को डाइवर्ट कर सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ये सारा काम कर देते हैं भाई। ये हर जगह काम करता है, लोकल होस्ट में नहीं, ये हर जगह काम करता है। अभी दिख रहा होगा दो मशीन लेके चल रहा हूँ मैं, काली लिनक्स पर्पल और है ना विंडोज 11, उसे ऐसे मशीन में काम कर रहा है। इवन ये नेटवर्क पे, इंटरनेट पे भी काम करता है। कल वाला सेशन जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास जो सेशन लूंगा मैं, वो अमेजन AWS पे लूंगा मैं, ठीक है ना। तो जो जो करना चाहे तो स्पैम कर देना कमेंट के अंदर, अगर 100 कमेंट आएंगे अमेजन AWS के, तो भाई अपन अमेजन AWS के ऊपर भी वीडियो बना के लेकर आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया वाला, बैक कर लेता हूँ इसको अब मैं, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी है, मतलब ये सब आपको वन बाय वन ट्राई करना पड़ेगा, तो आपको और समझ में आएगा, अच्छा ये भी काम कर रहा है। रीडायरेक्ट ब्राउजर, आई फ्रेम, तो आई फ्रेम बना सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, रिफ्रेस कॉम्पोनेंट डिफेस करने के लिए दे रखा है अपन ने, ठीक है ना। तो jQuery का यूज़ कर रहा है ये, कॉन्टेंट डिफेस करने लिए दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको साइड में करता हूँ मैं, ठीक है। इवन आपका कोई फेविकॉन आपने डाल रखा है, तो वो आप डाल दो यहाँ पे, ICO इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, बहुत सारे फेविकॉन वाले URL मिल जाएगा, वो कॉपी कर लेना। ओके, मैं कीप इट आफ्टर क्लोजिंग द बीफ, दैट्स नॉट पॉसिबल बॉस, जब तक वो ब्राउजर के अंदर खुला हो तब तक ही रहेगा वो लाइव, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है और ये बीफ दे रखा है। जैसे मैं टाइप करूँगा बीफ, और यहाँ पे जैसे बीफ के अलावा कुछ भी टाइप करता हूँ मैं, जैसे मान लो यू आर हार्ट, ठीक है, ऐसा करिए अपन डालते हैं यहाँ पे। और अभी दिख रहा होगा आपको विंडोज 11 में मेरे क्या है, साइट खुली हुई है, ठीक है। साइट को आप मॉडिफाई वगैरह अपने से कर सकते हैं, पूरा पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे। डेमोज के अंदर क्या मिलेगा आपको, ये सब पूरा बात दे रखा है। तो इस पेज को जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो, इवन आप कोई नया पेज भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे डालना, ठीक है ना। कोई थीम चला दो, जो आपकी मर्जी पड़े वो कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं यू आर हैक डालता हूँ यहाँ पे, कमांड इज्यूट करा मैंने, देख लेते एक बार, वह कमेंट नहीं, नहीं हुआ, हाँ अब हुआ कमांड इज्यूट, दिख रहा है यहाँ लिखा आ रहा है यू आर हैक। तो बेसिकली ये क्या होगा, पेज जो है डिफेस हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ यू आर हैक लिखा हुआ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे, यू आर हैक लिखा हुआ रहा, तो मतलब साइट को डिफेस कर सकते हैं अपन, ठीक है गाइस। ये भी अच्छा हो गया अपना, इवन वीडियो रिप्लेस भी कर सकते हैं अपन, अगर मान लो कोई यूट्यूब वगैरह चला रहे हो आप, रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट सेटेड विथ jQuery, ठीक है ना। तो विद एन एम्बेडेड टैग कंटेनिंग द यूट्यूब वीडियो ऑफ अ चॉइस, रिक रॉल बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो आप उसके वीडियोज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो सारा काम यहाँ से करा जा सकता है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अलग अलग कमांड दे रखे, वो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। क्रोम दे रखा है, क्रोम एक्सटेंशन के लिए, ये सारे क्रोम के लिए, पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये वर्क नहीं करेंगे, गेट ऑल कुकीज आप ट्राई कर देख लो, क्योंकि ये ना लेटेस्ट वर्जन भी है ना, इसलिए स्टिल कुकीज इवन HTTP ओनली कुकीज प्रोवाइडिंग द हुक्ड एक्सटेंशन हैज कुकीज एक्सेस, इफ यू आर URL इट्स नॉट स्पेसिफाइड देन ऑल कुकीज विल बी रिटर्न, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जाके इसकी मेन साइट पे अपन ओपन करते हैं, मैं चाहके एक बार इसके, ठीक है यहाँ से जाके मैं इसका हिस्ट्री जो डिलीट मारता हूँ पहले, अब ऐसा करते हैं इस पेज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ व्यू करते हैं और इसी के डेटा को क्लियर कर देते हैं अपन। नाउ लेट्स सी,
डिलीट, ठीक है। अभी वह चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ कमांड भेज के यहाँ पे चलना चाहिए अब मेरे हिसाब से। यस यू कैन इंस्टॉल रैड विद बीफ। पहले आप स्टार्ट करें बेसिक कमांड से, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए कि भाई हाँ वो काम कर रहा है नहीं कर रहा प्रॉपर, और फिर आप दूसरे कमांड्स ट्राई कर सकते हैं। लेट एक्सिक्यूट, पूरा इसको हटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, पूरा इसको हटाना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं गाइस। इसको अपन यहाँ पे डालते हैं नए टैब के अंदर, और यहाँ पे एक नया सेशन क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन करके, ठीक है। इसी में ही लॉगिन करते हैं demo.test पर, फिर चेक करते हैं कि वो जो दिखा रखे मॉड्यूल्स वो रन करेंगे नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे सामने वैसे तो दे रखा है कि नहीं करेगा वो, और लेट्स सी कि ना इफ इट वर्क्स और नॉट। कोडेस ऑफिशियल भाई, अभी मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा क्योंकि चैट बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को रिप्लाई करने चेक करने जाओगे तो उस कंडीशन में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप है ना सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैं भी क्वेश्चन को नहीं ले रहा। अगर मैं क्वेश्चन को लेना बैठ जाऊंगा सेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और रही बात आपने बग रिपोर्ट करा पर कंपनी रिप्लाई नहीं दे रही, ऐसा होता है, तो कभी भी आप ये मत सोचे कि जब आप है ना बग हंटिंग कर रहे हैं तो आपको रिप्लाई मिलेगा हर कंडीशन में। उसके लिए आपको बग क्राउड पे या फिर हैकर वन पे ही हंटिंग करनी पड़ेगी, तब जा करेंगे तभी काम चल पाएगा, ठीक है भाई। हम लोग करते तो क्यों नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं है हम लोग करते तो नहीं चलता। आप वीडियो को तसल्ली से देखोगे ना सब चलेगा, हमारी वीडियो देखोगे सब चलेगी। हमारे यहाँ पे एरर्स भी हम लोग दिखाते हैं आपको कि भाई ये इशू आएगा, नए वाले में इशू आ रहा, पुराने वाले में इशू आएगा, नए वाले में ये दिक्कत है वो सब हम दिखाते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो हमारा वाला देख के अगर आप कर रहे हो तो प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा कंप्लीट होकर आएगा, ठीक है। अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे जिसको मैं मारता हूँ एक्सक्यूट, लेट्स सी इसमें चल रहा है नहीं चल रहा। एक सेकेंड, हाँ 138 के तीन सेशन खुल गए, दो मिनट रुक जाओ इसको आप मुझे रिफ्रेश करने दो। लेट्स सी 138 के दो सेशन खुले हैं अभी, तो मुझे अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाता है कि ना अगर आप दो सेशन खुल के बैठे होगे ना तो ब्राउजर खुद कंफ्यूज हो जाएगा भाई चलना क्या है भाई, तुम्हें करना क्या है ये बताओ तुम मुझे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप पहले सारे क्लोज करके सिर्फ एक ही चालू करना, दिख रहा है यहाँ पे तो दोबारा, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे डालना कहाँ है आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसको ब्लड ज़ॉम्बी, ठीक है। अगली बार अपन चेक कर लेते हैं वापस से, आ गया अब इसको करना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा इशू आ जाता है भाई, तो है ना थोड़ा सा समझ जाना इसको कि ना कई बार आप मल्टीपल ब्राउजर पर क्या होता है, अपन क्रोम पे भी चला देंगे, नहीं चला फायरफॉक्स पे चला देंगे, तो उससे आपका जो सॉफ्टवेयर ना कंफ्यूज हो जाएगा कि डालना कहाँ है भाई इसको, ये तो बताओ भाई क्रोम पे डालो कि फायरफॉक्स, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं कर रखा ना किस पे करें। तो इसलिए जरूरी है आपको इसको क्या करें, आप जब आप इसको चलाएं तो उस कंडीशन के अंदर आप सिर्फ ब्राउजर के अंदर एक ही बार एक ही में चलाएं, ऐसे नहीं कि क्रोम के अंदर चला रखा है क्रोम के मोड में भी चला रखा है तो नहीं चलेगा, कोई वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है ना। अभी चल रहा है तो लेट्स सी कि ना सारे कमांड्स मेरे प्रॉपर वर्क कर रहे नहीं कर रहे। डायलॉग बॉक्स से आप स्टार्ट करना, यही भाई अपना अच्छा है, आ गया ना। पहले नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है क्योंकि मैंने दो बार सेशन खोल रखे इसके, क्रोम में भी खोल लिया और इसको इकोमेंटो मोड में भी खोल दिया, तो इसलिए चल नहीं रहा था। आपके साथ में भी सेम इशू आएगा तो ध्यान रखना प्लीज। हाँ भाई, जो भी काली लिनक्स पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला नहीं कर रहे, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, ठीक है ना, उसमें बीफ चलने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लेना, अगर नहीं चले ना तो लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब एक बार अपन यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, लॉगिन मैंने मारा हुआ यहाँ पे, तो लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ और डिटेल मिलती नहीं मिलती मुझे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेरा होता है भाई बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे याद रखा है क्रोम गेट ऑल कुकीज, ट्राई कर लेते अपन, नॉट श्योर पूरा आएगा नहीं आएगा, बट आप कमांड भेज के ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अगर चलता है तो आ जाएगा और अगर नहीं होगा तो फिर कोई चांसेस नहीं है। ठीक है भाई, नहीं चला, इसे भी रेड पे था ये।
ट्राई मार देते हैं एक बार। देखो यहाँ पे डोमेन दे रखा है एग्जाम्पल फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है ना, डिफॉल्ट मैंने कर रखा है ऑल के लिए, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एक बार डेमो डॉट टेस्ट फायर डॉट नेट, ये पे मैं ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है, नॉट सिक्योर इसी साइड के लिए ट्राई कर लेते, इस साइड के डोमेन के लिए मैं चाह रहा हूँ कुकीज़ निकालना, ठीक है, एग्जीक्यूट। लेट्स सी, आया नहीं आया, नहीं आ रहा, ठीक है। तो रेड वाले जो है, मतलब जो ऑरेंज वाले हो रहे होंगे, तो उस कंडीशन में शायद वो ना चले क्योंकि बहुत डार्क ऑरेंजेस लिए, ठीक है ना, छोड़ देना। इसलिए आपको सारे ट्राई करके दिखना है वन बाय वन सबको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिबग के लिए दे रखे हैं, सारे डिबगिंग टूल दे रखे हैं, CORS रिक्वेस्ट, ठीक है ना, HTTP रिडायरेक्ट, अभी भी बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है ना, इसको अपन ट्राई देखते हैं एक बार। HTTP रिडायरेक्ट है ये आपका, तो एक सेकेंड, इसका एक कनाट टूल और है, दिखाए तो मैं, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से नहीं, डिबग से नहीं करेंगे अपन उसको, दिखाता, रुक जाओ एक मिनट, किधर चला गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको सारे ट्रायर देखने पड़ेंगे वन बाय वन, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि ये ना कौन सा वाला आपका चलेगा, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे देखा गेट विजिट यूआरएल, ये मैं करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको, हाँ तो हो गया ना, सेशन स्टोरेज ये भी नहीं देगा वैसे तो, क्योंकि ऑरेंज दे रखा है। ऐसे वन बाय वन आपको सब ट्राई करना पड़ता, दिख रहा है सेशन स्टोरेज ब्लैंक, लोकल स्टोरेज, आपको सबको जुड़ी जला जला चेक करना है कि कौन सा आपके ब्राउजर में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पता नहीं ना कौन सपोर्ट कर जाए, ठीक है। नीचे आते अपन होस्ट पे, एक्सप्लॉइट में तो भाई बहुत सारे, ठीक है ना, आपको ट्राई करने पड़ेंगे वन बाय वन, एक्सप्लॉइट बहुत सारे हैं इसके अंदर, देखोगे ना आप भाई, मोबाइल एक्सेल रन नहीं कर रहा, इसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो आप यूज़ कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, दिख रहा होगा ये सारे सारे एक्सप्लॉइट दे रखे, डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे शेल शॉक स्कैनर अब है ही नहीं, दुकान से लाएगा RFI स्कैनर है ही नहीं, दुकान से चलाएगा वो चीज़ है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ना वो चीज़ रन कर रही नहीं कर रही, अगर नहीं है तो फिर दिखाएगा भी नहीं वो, तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाने इस वाले के अंदर, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारी सारी कंपनीज के दे रखे ना इसलिए। एक्सप्लॉइट इसको चला चला दिखना आप एक बार होस्ट, फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे अपन आते हैं नेटवर्क वाले पार्ट पे, नेटवर्क वाला भी थोड़ा सा अच्छा है इसका, लेट सपोज कि अपन को पता है कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है ना, डिटेक्ट सोशल नेटवर्क, जीमेल फेसबुक वगैरह कुछ चला रहा नहीं चला रहा, होक्ड ब्राउजर करंटली ऑथेंटिकेटेड टू जीमेल और फेसबुक, तो दिखा देगा आपको कि भाई कोई अभी तो मेरा कुछ भी ब्राउजर में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे और नीचे दे रखा है आपका, देखो यहाँ पे क्या देखा है, जीमेल User is not authenticated to Gmail. Twitter is not authenticated to the Twitter response. Facebook is not authenticated to Facebook. तो इस तरीके से आप उसके ब्राउजर के अंदर अगर उसने कोई यूज़ कर रखा है, जैसे Gmail लॉगिन कर रखा है, या पर्टिकुलर उसने आपका Facebook लॉगिन कर रखा है, Twitter लॉगिन कर रखा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने क्या लॉगिन कर रखा है, ठीक है, वो इसलिए इसलिए दे रखा है ये। फैच पोर्ट स्कैनर, अभी देखा स्कैन और स्कैन और होस्ट नेम, स्कैन आईपी और होस्ट नेम, तो अब देखो ये जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि बेसिकली इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। फेच यूजर यूजेस फेच टू टेस्ट द रिस्पांस इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ अ पोर्ट इज ओपन और नॉट, इवन आपका जो ये पोर्ट स्कैनर के लिए आप ये यूज करना, ये बेस्ट है, ठीक है। तो स्कैन पोर्ट इज अ गिवन होस्ट इज अ गिवन होस्ट नेम यूजिंग वेब सॉकेट CORS एंड इमेज टैग्स, इट यूजेस द थ्री मेथड्स टू अवॉइड ब्लॉक्ड पोर्ट्स और सेम ऑरिजिन पॉलिसी। अब देखो इससे अपन करके देखते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है ये चीज़, ठीक है ना। अब ये क्लोज्ड पोर्ट टाइम आउट, ओपन पोर्ट टाइम आउट, डिले और फिर डिबग फॉल्स, ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को आप यूज़ करके देख लेना एक बार, दोनों के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। अब इसमें आपको पता चाहिए कौन सी रेंज का IP एड्रेस है, जैसे मैंने यहाँ देखो यहाँ पे दे रखा है 220.137, तो अगर मैं 220.137 है तो डेफिनेटली ये रेंज ही होगा इसका। तो क्या करना है आपको 192.168.220.220. अब देखो मेरा जो टारगेट है ना वो ये है, मेटा एक्सपोर्टेबल जो उसी के नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है अभी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, IF कॉन्फिग मारता हूँ यहाँ पे मैं।
अब देखो यहाँ पे दे रखा है 192.168.2.0.132, तो मैं इसको स्कैन करना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने विंडोज 7 की मशीन को हुक करा है और हैक करना चाह रहा हूँ, मतलब पोर्ट स्कैन करना चाह रहा हूँ उसी के नेटवर्क में जो होस्टेड मशीन है मेटा एक्सप्लोइटेबल 2, उसको मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 220.132 एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये कॉमन पोर्ट स्कैन करेगा, ये सारे पोर्ट स्कैन नहीं करेगा, ठीक है ना, एंड मैं मत समझ लेना इसको तो और दिक्कत हो जाएगी भाई। जिसको कोई कोर्स वगैरह करना है चैट से मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके भर देना, और नीचे नंबर भी दे रखे हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं 9680100687 ये वाला नंबर जो है लिखे हुए। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे पोर्ट स्कैन करते नज़र आ रहा है अपने आप ही, पोर्ट स्कैन 443 ओपन है, पोर्ट नंबर 3389 ओपन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे पोर्ट ओपन दिखा देगा भाई ये। तो बेसिकली इससे अपन क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैं आपके नेटवर्क में मैंने एक सिस्टम को हुक कर दिया ना, तो फिर मैं आपके ही नेटवर्क में दूसरे सिस्टम्स को भी स्कैन कर सकता हूँ और उनमें भी आइडेंटिफाई करता हूँ उसमें क्या चीज़ चल रही है। तो ये खतरनाक है भाई एक तरीके से। इवन अगर आप पिंग स्वीप करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, पिंग स्वीप जो है ना बेसिकली पूरी रेंज स्कैन कर देगा, दिख रहा है यहाँ पे, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। 1920 पूरी रेंज डाल दो इसके अंदर, क्योंकि देखो दिख रहा होगा आपको, आपको आई पी एड्रेस तो नज़र आ ही रहा है यहाँ से 192.168.2.0.137, तो पूरी रेंज क्या होगी 192.168.2.0.1 से स्टार्ट होगा और 254 तक पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी रेंज स्कैन मार दो एक बार, पर इट टेक्स लॉन्गर टाइम, चला जाए भाई कमांडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना दोनों काम कर सकते हो। सर सेशन का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कौन सा भाई सेशन का टाइम, ठीक है। अब यहाँ रिजल्ट दिखाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिजल्ट दिखाने में। अब उसके बाद देखो यहाँ पे है ना एक सोशल इंजीनियरिंग वाला भी दे रखा है, ये भी अच्छा है इसका, अब देखो यहाँ पे मैन इन द ब्राउजर अटैक दे रखा है, पर ये कुछ में काम है कुछ में काम ना करे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है आपके सामने ब्राउजर हुक मेथड एक्सएमएल ओपन रिडायरेक्ट, दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉप ब्लॉक हो गया, दिख रहा है आपको पॉप ब्लॉक कर रखा है, ऑलवेज अलाउ रिडायरेक्ट, ठीक है। अब रेड हो गया अपना, समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे रेड हो गया ये, अब रिफ्रेश होता रहेगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा ये, समझ में आ रहा है। तो ये काम कर रहा है पर ब्राउजर जो है ना ब्लॉक कर रहा था उसको, दिख रहा है आपको ये वाला, ये मैन इन द ब्राउजर अटैक है ये आपका। ओ भाई खतरनाक हो गया, लग गया इसका तो, ठीक है। तो इस तरीके से अब नाश्ता रहेगा भाई मेरा ब्राउजर, दिख रहा है रिफ्रेश हो रहा है, बार बार रिफ्रेश हो रहा है। तो डेली आप जो लाइव करते हो उसका टाइम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे भाई, इंक्रीज तो करा भाई ना, 2 घंटे 1.5 घंटे चलता ही है हमारा सेशन, तो और क्या चाहिए, मतलब और जल्दी लूँ कैसे करूँ, थोड़ा सा डिटेल दो मुझे इसके बारे में, लेकिन अब नाच ही रहा है भाई ये। अरे यार ब्राउजर ने अटैक लगा दिया, अरे यार अभी खोल ही नहीं रहा कुछ भी। ओ भाई देखो ऊपर क्या माहौल हो गया, दिख रहा है, एक बार चेक करो भाई, और ये नए नए टैब ओपन करते जा रहा है, लग गया मेरे ब्राउजर की 12 बज गई यार, अपना ही ब्राउजर हालत खराब कर ली, दिख रहा है आपको नए नए ब्राउजर। अरे यार इसको क्लोज करना पड़ेगा, चक्कर पड़ जाएगा, अरे अरे रुक 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 भाई, ऐसा हो जाता है कई बार लाइव के अंदर आपकी भी झंड हो जाती है, तो अपनी झंड हो चुकी है भाई, अपने ब्राउजर की अपन ने अटैक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे है ना, मतलब ये ब्राउजर अटैक है, मैंने तो ब्राउजर अटैक, दिख रहा है इंपैक्ट नजर आया आपको, इवन आप ना इसके अंदर डायरेक्टली इसको डाइवर्ट करते किसी अदर वेबसाइट के ऊपर भी, एक बार देखा होगा आपके ब्राउजर में अननोन पेजेस को ओपन होना शुरू हो जाते हैं, उटपटांग है ना वो वाले, समझ मारा आपको। अरे यार ये बंद कैसे होगा, बचा लो मुझे, हुक हो गया भाई ये हुक हो गया, दिख रहा है आपको, अभी नया नया पोर्ट ओपन करता रहेगा अपने आप ही, देखो मैंने बंद करा फिर चालू हो गया, तो ऐसे चलता रहेगा भाई ये, इसको ब्लॉक कर दो, ऐसा मत करना ये मेरे सिस्टम की 12 बज के बैठ गया, ब्लॉक कर पार्टी, चल गया मेरा ब्राउजर है भाई।
वॉर्म की एक्टिविटी कर रहा है यार ये तो। देखो फिर चल गया, ठीक है बिल्कुल जल्दी इंदौर आएंगे। अभी ये इसको मैं बंद कर देता हूँ, बेटर रहेगा भाई, वरना चक्कर पड़ जाएगा मेरे सिस्टम का। ठीक है ऐसे करते करते आपके साथ में इशू हो जाते हैं। लेट्स सी कि अभी इस ब्राउज़र ऑफिस खुलता है नहीं खुलता, एक बार चेक कर लेता हूँ ब्राउज़र ऑफिस खुल रहा है नहीं खुल रहा। नहीं अभी तो नहीं खुल रहा सर। 1 AM तक स्ट्रीम करिए, देन हमको कुछ नई चीज़ सीखने को ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 AM तक कर देंगे अपन। हाँ थोड़ी सी तबियत डाउन है पर ठीक है, अपन लॉन्ग स्ट्रीम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलो रुक गया तो ब्राउज़र क्लोज करने के बाद भाई ये रुक जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? तो चाप से अपना ब्राउज़र खोलो और शांति से ना एक जो लिंक दे रखा है ना वही ओपन करो बस। बार और पंचायत कर रहे थे तो उसने ब्राउज़र की बारह बजा दी अपनी यार। अरे भाई ऐसे जो खुराफाती होती है ना तो मज़ा आता है भाई कि अपन कुछ कर रहे हैं, वरना तो क्या है कि भाई सब हल्ला हल्ला होता है। मतलब क्या यार तुम भी बेच रही चीज़ें करा रहे, मतलब खुद खुद खुराफाती होना चाहिए, सिस्टम की बारह बज जानी चाहिए। जब तक कि सिस्टम करप्ट ना हो जाए तब तक हैकिंग का मज़ा ही नहीं है। मेरे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मुश्किल से 15 दिन चलता होगा मैक्सिमम, खींच के देखूँ मैं। थोड़े दिन में करप्ट मारता हूँ मैं खुद ही, मतलब इतना काम करते तो हो ही जाता है अपने आप में। ठीक है आप आ जाओ, आ जाओ वापिस यहाँ पे। ठीक है ये हो गया भाई अपना मैनेजर ब्राउज़र अटैक, बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है अपना। ठीक है ना, सच में आ गया आप इसको, अब इसको कभी छेड़ूंगा भी नहीं मैं। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना वर्डप्रेस एड एडमिनिस्ट्रेटर दे रखा है यहाँ पे, तो और बाकी तो नहीं चलेंगे आपके। ठीक है ना, क्रिएट पॉपअप अंडर दिख रहा है, हाईजैक ओपनर क्रिएट पॉपअप तो दिख रहा है यहाँ पे। कुछ ब्राउज़र है ना, कुछ है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करेंगे, कुछ फायरफॉक्स को करेंगे, कुछ दूसरे को करेंगे। अब सोशल इंजीनियर का देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सबको ट्राई कर लेना वन बाय वन करके। इसमें गूगल फिशिंग वाला भी दे रखा है, फेक नोटिफिकेशन ऑन आई दे रहा है पर नोटिफिकेशन URL dropper.exe। इवन यहाँ पे कोई आप है ना किसी भी मालवेयर का, जो मेरे दोस्त ने पूछा था ना ये तब सर मालवेयर कर सकते हैं ड्रॉप, तो हाँ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आएगा एडिशनल प्लग इन टू डिस्प्ले, करते हैं एक्सक्यूट। अब डर भी लग रहा है भाई, करते करते कर दूं। ये बात चेक कर लेता हूँ, फिर दो तो नहीं खोल दिए मैंने, एक मिनट जाओ वापस से मैं कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश मार लेता हूँ स्पीच को। ठीक है विंडोज भाई लॉग लाग तो बहुत सारी जनरेट हो गई है। हाँ भाई सही बोले यार, डर थोड़ी ना अपन भाई, अगर खुद सिस्टम होता है ना बहुत फटती है सब चीज़ों के अंदर। कितना ही बोले तुम्हारे गुरुजी, गुरुजी की भी लगती है एक बार तो अपने सिस्टम की बार था। एक बार हुआ यार मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं एक बार मालवेयर को चेक कर रहा था, मालवेयर मेरे बायोस में घुस गया, वो सिस्टम मेरा खराब हो गया और पड़ा हुआ अभी तक डब्बे की तरह, और बहुत महंगा सिस्टम लाया था मैं, i7 था मेरा सिस्टम वो, तो लग गई अपनी भी कई बार। अब उसको कुछ भी कर लिया कुछ नहीं हो रहा उसका, बहुत सारा ट्राई कर लिया, टाइम ही नहीं इतना कि अब ट्राई करें तो ना छोड़ो यार क्या मतलब आ रहा। अब इसके लिए सोच रहे से पहले अपन ट्राई कर लेते बेसिक वाला कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, वो चलेगा तो फिर ये भी चल जाएगा। कोई भी चीज़ ट्राई करने से पहले आप वो वाला ट्राई कर लेना छोटा वाला, ठीक है ना, या लकड़ी अलर्ट डायलॉग बॉक्स वाला। हाँ चल रहा है तो मतलब वो भी चलेगा, अगर वो नहीं चल रहा मतलब ये चल रहा है और वो नहीं चल रहा तो मतलब वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक मिनट, आज सेशन मैं क्लोज करते करते रह गया यार, आज मैं सेशन में कैंसिल करता तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, पर मैंने चलो नहीं ले लेते यार आज, अपने सारे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे होंगे, कल भी नहीं हुआ था सेशन इसलिए। अब ट्राई करते हैं इसको, हैज बीन डिस्प्लेड, आ गया भाई आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे एडिशनल प्लगइन्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले ऑल मीडिया ऑन दिस पेज, इंस्टॉल प्लगइन करते हैं। ओ भाई तगड़ा तगड़ा तगड़ा, नहीं है देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, अब इसको बनाते हैं बढ़िया तरीके से। देखो अब तुम्हारा भाई क्या बनाता है इसके अंदर, कुछ खुराफाती चीज़ बनाएंगे अपन यहाँ पे। रुको डाउनलोड VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है हाँ भाई पंगा भाई बड़ा भाई अपन को। अब देखो अपना कर रहे हैं अपन कोई भी exe को अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव वगैरह के ऊपर, और मतलब गूगल ड्राइव अपलोड करते हैं या फिर कहीं पर अपलोड होना चाहिए .exe की डायरेक्ट लिंक मिलना चाहिए आपको, और उसको अपन डाउनलोड करवाना, जैसे इस पर क्लिक कर डाउनलोड होएगा ये, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको कॉपी लिंक, और चेक करते हैं भाई एक बार कि इसमें .exe फाइल नज़र आ रही नहीं आ रही, दिख रहा है आपको
URL में एक सी नजर आ रहा है। अब भाई ये डाउनलोड करवानी है सानाले बंदे के, ठीक है ना, करना कैसे देख लो एक बार, ठीक है ना। मतलब URL चाहिए अपन को जिसमें .exe फाइल होनी चाहिए आपकी, अगर मिल रहा है तो वो URL कॉपी कर लो, ठीक है। अब कॉपी कर लेनी है पूरी URL को, कॉपी करने के बाद बीच में जाना है और यहाँ पे जाना नोटिफिकेशन बार के अंदर, ये बोल रहा है URL, तो URL कॉपी करके पेस्ट मार दो यहाँ पे, ठीक है ना। एडिशनल प्लगइन्स आर रिक्वायर्ड, तो ये URL वो है जो जब वो क्लिक करूंगा ना मैं उसके ऊपर, तो वहां जाके डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आते हैं ऑफिस से, अब जाते हैं इसको एडिशनल प्लगइन कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, आ गया भाई, दिख रहा है इंस्टॉल मिसिंग प्लगइन, क्लिक कर रहा हूँ भाई डाउनलोड करने के ऊपर, देखो क्या होता है। अब क्लिक करा, ओ भाई डाउनलोड हो गया, दिख रहा है डाउनलोड हो रहा है आपका VLC मीडिया प्लेयर। तो भाई इसके थ्रू आप उस बंदे को एक्स्ट्रा ब्राउजर में एडवान देके कि भाई देखो डाउनलोड करो इसको, और फिर फुल माहौल कर सकते हो भाई। सच में दिख रहा है डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो ये बहुत सही है बॉस, ट्राई करना पड़ेगा बॉस। मतलब अगर आप सोचो डायरेक्ट चल जाए तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ट्राई करना पड़ता है। फेक फ्लैश अपडेट्स, देखो यार PNG कस्टम और फायरफॉक्स एक्सटेंशन ट्राई कर लेते हैं इसके थ्रू। अरे यार पीछे जाना चला, हाँ चला गया, अब करते हैं एक्सक्यूट। आगे दिख रहा है यहाँ पे एक डॉट, ये एक इमेज फाइल है यहाँ पे दिख रही होगी आपको। अब इसको थोड़ा सा और अपन खतरनाक तरीके से करते हैं, इमेज का एक्सटेंशन .png इमेज है ना। अब तुम्हारा भाई लेता है हैकर ब्लॉग, अपना ही भाई अपना इमेज चलेगा दुनिया के अंदर। अब देखो यहाँ पर आते हैं अपन, किधर गया इमेज, ओ भाई यार वाकई में आ रही है, अपना चलता है यार, अपना नाम वाम चलता है थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर, गूगल पे सर्च वर्स तो आ रहा है, ठीक है यहाँ पर आ गया। अपन चाह रहे भाई ये नजर आए, पर इसका PNG नहीं मिलेगा अपन को, ध्यान रखना। इसका .png.image नहीं मिलेगा अपन को, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने सोशल मीडिया पे डाल रखा है ना, सोशल मीडिया से खुला नहीं छोड़ता अपन को, वरना कोई भी डाउनलोड कर लेगा ना, इसलिए ये लेते हैं। रुक रहा भाई, कहाँ जा रहा है, ये ब्लर जैसा इमेज है, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई, जब तक फुल HD में फोटो चाहिए अपन को। हैकर इमेजेस, भाई बहुत धीरे धीरे चल रहा है ये, रैम थोड़ी कम दे रखी है भाई, मैंने 2GB रैम दे रखी है, आप थोड़ा बढ़ा देना उसको, ठीक है। ये बात इसको देख लेते हैं एक बार अपन, या इसको यार, ये पिंटरेस्ट पे अच्छी लग रही है इमेज इसकी, एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन इसको। ऐसे ही बोलो काफी खर्चा है भाई, काफी खर्चा है। अरे भाई सारे सारे सो रहे की जगह में हो यार, हैकर बनने की इच्छा लेके बैठे हो, और अभी अभी ये रात में 12 बजे ही सब सो गए, अभी तो भाई दिन है, अभी तो उठना चाहिए, बल्कि सुबह 4 बजे तक कैसे काम करोगे। कॉपी इमेज लिंक, कितने लोग उठे हुए हैं, चेयर उसमें डालो फटाफट एक बार। तपन सर जगह में अभी आपके साथ में, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। अब ये डाइवर्ट करवाना है मुझे, ये दिखाना है वहाँ पे स्क्रीन पे भाई, फुल माहौल दिख रहा है आपको यहाँ पे, पेस्ट इज क्यूट, लेट्स सी। ओ भाई आगे दिख रहा है आपको यहाँ पे, आ गया भाई आ गया, जरा इमेज खुल गई यहाँ पे। चलो असमी जगह अपने साथ में, और उसके बाद कौन जगह है मेरे साथ में यार। हैकर की कहानी है, हैकर ब्लॉग का चैनल है, हैकर तुम्हें पढ़ा रहा है, हैकर पढ़ रहे हैं, और ये इतना कम सा जोश, अभी तो अमर पढ़ रहा है हमारे साथ में, बहुत बढ़िया। और कौन पढ़ रहा है हमारे साथ में ऑनलाइन, क्या बात है, ये बात है अभी भाई, बहुत बढ़िया। और बताओ कितने लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, जैन साहब जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, हम जगह आपके साथ, मिस्टर रोबोट बहुत बढ़िया, AG एंटरप्राइजेस, और कौन कौन जगह है हमारे साथ में, फास्ट फास्ट गाइस कमेंट बॉक्स में डालो कितने लोग जगह में हमारे साथ में अभी। तो ये हो गया हमारा काम, चलो ये बढ़िया काम हो गया अपना, और देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन। दिख रहा है आपको ये सब भी चलते हैं,
भूषण भाई कैसे? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, भूषण भाई भी जगह में हमारे साथ में, मतलब और भी चीज़ें काम कर जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। एक्स सी के वी के सी के वी, क्या बात है भाई, क्या नाम है, ए एम एक्स एंटरटेनमेंट हमारे साथ में जगह में, बहुत बढ़िया बात है भाई। और कौन जगह भाई हमारे साथ में, फिर चैटबॉक्स में डालो भाई कितने लोग जगह में और हमारे साथ में। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे अपन देख लेते हैं और कितने क्या है सोशल इंजीनियरिंग के लिए। ये हो गया फीक वाला अपडेट आ गया, यहाँ क्लिक जैकिंग वगैरह कर सकते हैं अपन यहाँ पे, स्पूफ एड्रेस बार ये देखा है यहाँ पे, दिस मॉड्यूल रीडायरेक्ट द ब्राउजर टू द लेजिटिमेट लुकिंग यूआरएल विद अ डेटा स्कीमा सच एज, ये देखा है विक्टिम विद अ बीफ हुक एंड अ यूजर स्पेसिफाइड यूआरएल। एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन इसको, डॉट कॉम testfire.net। स्टोरी शेयर करना नेक्स्ट पॉडकास्ट में भाई, लव स्टोरी शेयर करना नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बिल्कुल भाई क्या बात है भाई, मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हियर रिगल, ए पड़ीदार भाई कैसे, बढ़िया, चेक कर लेते भाई यहाँ पे क्या सीन है। facebook.com कुछ नहीं हो रहा भाई, ये और डिटेल में देना पड़ेगा इसको। ठीक है, बाकी आप देखो यहाँ पे गूगल फिशिंग, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको भी, एक्सक्यूट भाई दिख रहा है आपको यहाँ पे जीमेल का पेज आ गया, पाकिस्तान से देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार मिलता है हर जगह से, थैंक यू सो मच भाई। इस जगह में टेक स्पाइरल, हाँ भाई मैं सोच रहा था मेरा टेक भाई कहाँ चला गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे गूगल का पेज आ गया, फिशिंग पेज है भाई ये बिल्कुल सामने उसके, यहाँ डालेगा वो यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मान लो तपन, तपन और क्या है अभी तोमर, अपना नाम क्यों डालू रे, अभी तोमर, पासवर्ड है भूषण, नहीं नहीं पासवर्ड बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है डाल दिया, साइन इन कर दिया मैंने, करने दे, देखा क्या हो गया, कहाँ चला गया, ये साइट पे चला गया, पेज पे चला गया, 3000 डेमोस स्लैश pain.php दिख रहा होगा आपको, इसको आप डाइवर्ट कर सकते हो आराम से, यहाँ पे दे रखा था दिख रहा है ना आपको XSS hook URL, तो यहाँ पे आप चेंज कर दो उस वाले URL को, कमांड चेक करते हैं और आउटपुट आ गया, दिख रहा भाई आउटपुट आ गया यहाँ पे, अभी तो उम्र पासवर्ड टेक स्पायरल भाई, मतलब फिशिंग भी कर सकते हो डायरेक्टली इससे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आ दे रखा है कि ना प्रीडी थेफ्ट बेसिकली करेगा क्या, ये आस्क द यूजर फॉर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजिंग अ फ्लोटिंग, क्या बात है भाई, ट्राई कर देखते हैं कैसे काम करेगा ये भी भाई, मजा आ रहा है सेशन के अंदर, थोड़ा डालो भाई चैट बॉक्स में कैसा मजा आ रहा है क्या, फेसबुक लिंक्डइन विंडोज यूट्यूब, अरे भाई खतरनाक, फेसबुक का ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओ भाई देखो ऐसा आ रहा सेशन, टाइम आउट दिख रहा है आपको, यहां डलेगा हम लोग, कर सकते हैं भाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं अपन, हटेगा ही नहीं भाई, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे भी हटेगा ही नहीं है, ये डालोगे तभी हटेगा भाई, कड़क शानदार भाई शानदार। ठीक है @gmail.com पासवर्ड डालता हूँ मैं, एक नए सब्सक्राइबर का नाम, लॉगिन चेक करते हैं भाई यहाँ पर आया नहीं आया, कमांड का आउटपुट हो भाई आगे यहाँ पे दिख रहा है, मिस्टर रोबोट का नाम डाला है इस बार पासवर्ड के अंदर, ठीक है यूजर नेम नेम आ गया, तो भाई दोनों काम हो जाएगा भाई, इससे सारे काम कर सकते हैं अपन इससे। ठीक है अब रिप्लेस वीडियो, इधर वीडियो के लिए दे रखा है सिंपल हाईजैकर अमेजन टारगेट डोमेन बीफ, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको भी चला के, चला क्या भाई
अच्छा अपन तो धीरे धीरे उस जोन में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ चलेगा नहीं भाई। जैकर रेडी नाउ वेट फॉर द यूजर एक्शन। ओ भाई क्या हो गया ऐसा? ये कुछ तो रेडी करा भाई इसने, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा से। हाईजैक क्लिक ऑन लिंक्स टू डिस्प्ले व्हाट यू वांट। ओके तो ट्राई करते हैं अपन एक बार, तो क्लिक करते हैं। बीच पे जा रहा है। ओके सही तो चल रहा है। नहीं 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 इसमें कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ दिक्कत है इसके अंदर। चलो दूसरा देख लेते हैं एक बार और भी देखा। तो मैं तो अभी कुछ कुछ कर रहा हूँ, आप सब पे ट्राई करना भाई, जो रेड है उसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी मत छोड़ना इसके अंदर से। फिशिंग विशिंग हो गया भाई, गूगल पेज वगैरह आ गया अपना, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? काफ़ी कुछ हो गया भाई मेरे हिसाब से, है ना? तो भाई चेक कर लेना बस आप, ठीक है ना? आप भी चला देखो एक बार। भाई ओटी भाई पास तो ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुका हूँ भाई, एजी इंटरप्राइजेस भाई, एक बार चेक करो हमारी वीडियोस को। लाइव लाइव वाले टैब में आके स्क्रॉल करना नीचे, यू विल गेट टू नो कि बॉस है ना क्या क्या मिलने वाला है। अब नेक्स्ट स्ट्रीम जो रहेगा वो रहेगा AWS के ऊपर, कैसे AWS के ऊपर अपने बीफ को होस्ट करें और पब्लिकली सबको लिंक दे और सबको डाउनलोड करवाएं और क्लिक करवाएं इसके ऊपर। नेक्स्ट वाला जो रहने वाला है वो मैं AWS पे करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? मुझे कमेंट के अंदर वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट होता है सेक्शन होता है हमारा, कमेंट सेक्शन के अंदर भर देना 100 मुझे चाहिए कमेंट, AWS पे वीडियो लाओ, AWS पे वीडियो लाओ, ठीक है ना? भर दोगे तो वीडियो आ जाएगी भाई इसके ऊपर, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, ठीक है ना? सर मैम ने जो आपकी आदत लगाई है वो चैट हैक करो। सर मैम ने जो आपकी आदत लगाई है वो चैट्स हैक करो। कौन सी भाई कौन सी? चलो गाइस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा आज के सेशन के अंदर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है ना? आपने काफ़ी कुछ देखा होगा कि भाई एक खाली ओपन लिंक से क्या क्या कर सकता है हैकर। तो ये मैंने ट्राई करा, बहुत बार स्टूडेंट ने मुझे बोला था तो बीफ पे लेकर आओ, बीफ पे लेकर आओ। तो अपन इस पे लेकर आए वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, काफ़ी सारे मैंने ऑप्शंस ट्राई करे जो शायद आपको दूसरे वीडियोस में नहीं नजर आएंगे। नेटवर्क चंग की वीडियो भी थंबनेल मैंने वैसे एलईडीस कॉपी करा था, साथ में मैंने नाम भी कॉपी करा है, ठीक है ना? पर ना ट्राई करा कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट दे सकूं मैं आपको, ठीक है ना? कुछ कंटेंट डेफिनेटली सेम है क्योंकि टूल सेम है, ठीक है ना? पर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करवाई है आपको अदर देन दैट। तो आई होप आपने मज़ा आया होगा। 5 को कर दिए मैंने AWS गुरु जी। हाँ भाई जैसे अभी ख़त्म होगा ना बेज्जती सर। अच्छा बेज्जती वो तो होती रहती भाई, वो होती रहती, उसका कोई टेंशन नहीं है। 2K के अंडर कोई कोर्स है भाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का? 2K के अंदर कोई कोर्स? एक बार आप है ना फॉर्म भर दो, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। अगर कोर्स अवेलेबल होगा तो दे विल लेट यू नो, ठीक है? चलो उसमें फॉर्म दे रखा है, जाके भर देना गाइस। कोई और कोई क्वेश्चन आपके तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करा जाएगा और आज के लिए सेशन को यहीं पे विराम दिया जाएगा। चलो भाई आज सामने कर लेते हैं आज सेशन। हाँ ऐसा पीछे यार दान निकल जाती है। हाँ ठीक है अभी ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज़ आ रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चेक कर लेता हूँ मैं भी एक बार, गाना वाना गा के भी चेक कर लेता हूँ। हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हाँ जूली 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 सब बराबर चल रहा है सेशन। बहुत बढ़िया आ रही है आवाज यार, चलेगा। गाइस कोई और क्वेश्चन आपके तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को फिर एंड करा जाएगा आज। सर मिनी कोर्स कब बनाओगे? सर आप मिनी कोर्स बनाएंगे भाई, इसी पे लेकर आएंगे। मेंस एम्बिशन इसी पे लेकर आएंगे, कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है ना? इसी पे आपका हम लोग है ना जो हमारी प्लेलिस्ट है मतलब मेंबरशिप है उसी के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है ना? और जिनको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है इंटर्नशिप के साथ में, क्योंकि बेसिकली हमारे कोर्स का एडवांटेज क्या है कि आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप हर कोर्स में इंटर्नशिप है भाई, मतलब जितनी भी कोर्स करोगे ना सब में इंटर्नशिप मिलती है हमारे। तो बेनिफिट ये रहता है कि आप डायरेक्टली इंडस्ट्री लेवल पर काम कर पाते हो और
काफ़ी सारी एमएनसी कंपनीज है हमारे साथ में जिनके साथ में आप काम कर पाते हो, तो एडवांटेज आपको ये मिल जाता है। जब तक ब्राउज़र का ऑन रहेगा तब तक बीफ वर्क करेगा। बिल्कुल भाई सही बोला, कर रहा हूँ जयपुर से, और आगे क्या करना चाहिए। तो भाई टेक स्पैरल भाई एक बार आप है ना फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, फॉर्म भर दो, ठीक है ना, सारी डील मिल जाएगी आपको। अगर आप ट्वेल्थ के पास कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्वेल्थ के अंदर हैं या पास कर लिया अपन ने, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको मैं प्योर गाइडेंस दूंगा। उसके अलावा हम लोग अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, लाइव इंटरेक्शन करना है, सो भाई अभी हम लोग हैकर ब्लॉग लाइव के ऊपर आज वीडियो आई थी, और कल नहीं परसों तो ये वीडियो आने वाली है, जाके ज़रूर देखना भाई, ठीक है ना भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ कि मैं बॉलीवुड में था स्टार्टिंग में, मैंने बॉलीवुड से करा था अपना करियर, ठीक है ना, तो बॉलीवुड से मैं हैकर कैसे बना, तो वो चीज़ पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा हमारे इस वाले पॉडकास्ट के अंदर। सो इट इज़ गोइंग टू बी आर नेक्स्ट लेवल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है जाके सब्सक्राइब कर लो, चैनल का लिंक जो है वो आपको इसी के हमारे चैनल के नीचे मिल जाएगा। प्लस साथ में हैकर ब्लॉग लाइव के ऊपर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग है ना एक टू वे कम्युनिकेशन कर सके सब्सक्राइबर के साथ में, तो यहाँ पे एक मेंबरशिप हमने बना रखी है हैकर ब्लॉग आर्मी की। तो हैकर ब्लॉग आर्मी के अंदर हम लोग हर वीक के हिसाब से चार लोग चूज़ करेंगे, और उन चार लोगों को मौका मिलेगा लाइव स्ट्रीम हमारे साथ करने का। सो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए कि आप हमारे साथ में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, चार लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे हमारे साथ में, और फिर मज़े लिए जाएंगे, और साथ में होगा काफ़ी कुछ नॉलेज वाला भंडार। वो अपने सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर गूगल मीट पे मेरे साथ में, और चलेगा यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जाके आप हैकर ब्लॉग की मेंबरशिप 89 रुपीज़ की है ज्वाइन कर सकते हैं, एक महीने के लिए मिल जाएगी, और उसके अंदर वीकली हम लोग चार सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म दिया जाएगा कमिटी पोस्ट के अंदर, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, ग्रेजुएशन कर लिया कोई दिक्कत नहीं भाई, टेक स्पैरल भाई ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर अभी आपको इंटर्नशिप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है सर। एक हैकर सॉफ्टवेयर भी बना सकता है क्या? नहीं भाई, एक हैकर कभी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो आप समझें उस चीज़ को, ठीक है। कोई और क्वेश्चन गाइस, कोई और क्वेश्चन, अदरवाइज सेशन को एंड करा जाएगा, और मैं अब जाकर खाना खाऊंगा, और मैं भी मेडिसिन लेनी, मुझे मेडिसिन ही नहीं लिया भाई आज। सर अगर ब्राउज़र का एक्सेस मिल जाए तो, अगर ब्राउज़र ऑफ हो जाए तो उसके बाद बीफ काम करेगा या नहीं? नहीं नहीं करेगा, उसके बाद उसको ओपन छोड़ना पड़ेगा आपको। क्या करते हैं बेसिकली हैकर सर्वर वगैरह में के अंदर ये ओपन करके छोड़वा देते हैं, ब्राउज़र खुले रहते हैं बहुत सारे, उसमें एक टैब में ही ओपन करके छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना, कुछ जेन्युइन पेज बना के इसके ऊपर, और उसके बाद फिर जब तक खुला हुआ तब तक आपके सिस्टम की 12 बज रही है। फास्ट गाइस, कोई और क्वेश्चन आपकी तो फिर अदरवाइज सेशन को एंड करा जाएगा आज। काफ़ी कुछ सेशन इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। अगर आपने हैकर ब्लॉग लाइव की मेंबरशिप नहीं ली है 89 रुपीज़ की मेंबरशिप, और आप लाइव 1-to-1 बात करना चाह रहे हैं और मजे करना चाह रहे हैं हमारे साथ में लाइव स्ट्रीम के अंदर, सो जस्ट जॉइन 89 रुपीज़ मेंबरशिप हैकर ब्लॉग लाइव की, एंड देन वी विल मीट यू। और जो आपका फॉर्म रहेगा कमिटी पोस्ट में आ जाएगा गाइस, तो यहाँ पे जाके आप बेसिकली चेक कर लेना कि ना फॉर्म का आ जाएगा, फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना। हर वीक चार बंदे सेलेक्ट होंगे, तो अभी क्या है कि ना इनिशियल हमने स्टार्ट करा है, तो जो पहले आएगा वो पहले पालेगा, ठीक है ना। आगे जाके थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर बहुत सारे बच्चे भर देंगे, तो शायद ना लकी ड्रॉ के साथ चलेगा उसके बाद, ठीक है ना। और वी विल ट्राई कि मैक्सिमम लोगों को मौका मिले हमारे साथ में लाइव स्ट्रीम में आने का, अपने क्वेश्चन पूछने का, और अपनी बात को रखने का, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपनी बात रखना चाहें कि सर इसमें ऐसा बिगनर को ये प्रॉब्लम फेस होती है, ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो दैट वी विल ऑल्सो लिसन, एंड बेस्ड ऑन दैट वॉट सजेशन दैट वी कैन क्रिएट वी विल गिव यू दैट। सर आपके आईपी एड्रेस कैसे हैक कर सकते हैं? भाई मेरे आईपी एड्रेस हैक करने के लिए आपको पहले हैकर बनना पड़ेगा मेरी तरह, उसके बाद आप कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आईपी एड्रेस खाली हैक नहीं होता है, इवन मैं आपका आईपी एड्रेस भी हैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन आपके अदरवाइज सेशन को एंड करा जाएगा, और काफ़ी कुछ आज मज़ा आ गया मेरे सेशन के अंदर, काफ़ी एनर्जी थी सेशन के अंदर, मज़ा आ गया मुझे देख के भी, ठीक है। ऐसी खुराफाती कॉन्टेंट आपका भाई लेकर आता रहेगा, ठीक है ना। और सीरीज़ जो अपनी चल रही है चलती रहेगी, तो आप सीरीज़ वगैरह देखते रहे, पर बाकी ऐसे डीजे जो मैं खुराफाती कंटेंट लेकर आऊँगा ताकि आपका इंटरेस्ट और तगड़े तरीके से बन जाए, ठीक है ना। और मेन चीज़ क्या है कि ना उस पर्टिकुलर टूल के पीछे वर्किंग, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मैं चाहता तो बीच में टॉपिक स्किप भी मार देता जहाँ पे मेरा ब्राउज़र वर्क नहीं कर रहा था, पर मैंने उस चीज़ को आपके सामने ही सॉल्व करा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, कि हमारी कोई वीडियो कट नहीं होती है, और जो भी इशू होते हैं ना वो सामने रिजॉल्व होता है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि यार होता है यार नहीं चलेगा, कई बार नहीं चलेगा इस सेशन के अंदर पेटल करो नहीं चलेगा, तो पहले दिला क्या क्या भाई जॉनी भाई क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ ठीक है भाई।
रैंसमवेयर वायरस कैसे वर्क करता है नेटवर्क के अंदर, उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो लेकर आया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हम सारे सेशन को हम लाइव लें, सारी प्रॉब्लम्स को लाइव लाइव दिखाएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि मैंने इंस्टॉल करते वक्त मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी, उसके लिए मुझे AWS से स्टार्ट करना पड़ गया, वरना तो मैं अपने काली पे कर लेता, बाद में मैंने पर्पल वाला इंस्टॉल करा, फिर मेरा वो प्रॉब्लम था रिजॉल्व हो गया एक ही बार में, बिना मुझे कुछ करे ही। तो इसलिए मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर इशू फेस करा है, मैं वही चाहता हूँ मैं वीडियो में डालूँ। तक क्या है कि क्योंकि जब आप पहली बार कर रहे होंगे ना, आप पुराना का लिनक्स यूज़ करो, बीफ नहीं चलेगा, नहीं वर्क करेगा उसके अंदर, तो आपको लगेगा तपन भाई की तो वर्क कर गया, मेरे क्यों नहीं वर्क कर रहा, तो मतलब दिक्कत है। तो दिक्कत ऐसा नहीं, एक्चुअल में वीडियो के अंदर क्लियर होना चाहिए हर चीज़ की, कब किस कंडीशन में वर्क करेगा, किस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, कहाँ पे इशू आएगा, और चीज़ें जो होनी चाहिए वो बाहर सामने ही रिजॉल्व होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट और सब्सक्राइबर को नजर आए कि अच्छा यहाँ पे मैं गलती करूँगा, मुझे ऐसे सही करना है। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वो बेसिकली रहता है कि आप अपने ऑडियंस के तरफ ट्रुथ हो, ट्रू हो बेसिकली। सर मेरा एक क्वेश्चन देख लेना सर प्लीज़, टेक्स्ट पर बताओ अपना क्वेश्चन क्या है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है, ठीक है ना। सर आज मेरे सिस्टम पे पता नहीं क्या हुआ, स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है, डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, क्या हुआ भाई? स्क्रीन चली गई आपकी, बढ़िया। वहाँ आपको नींद बिंदु आ रही है ना भाई? नींद आ रही है, चैन आ रहा है, कहीं कुछ लुट तो नहीं गया आपका? एक सेकंड में, हाँ ठीक है। तो भाई कुछ और क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में डाल दो, अदरवाइज सेशन को फिर एंड करा जाएगा। और फिर ठीक है, प्रोजेक्टर कैसे हैक हो सकता है क्या? हाँ भाई हैक हो सकता है, अगर मान लो वो नेटवर्क के अंदर प्लग इन कर रखा है आपने, तो उसके बाद वो हैक जरूर हो जाएगा। ठीक है, ओ भाई ये तो मेरा वॉइस खराब हो गया। हाँ अभी सही आ रहा हूँ। अरे साहब मेरी सुन लो आप, हाँ टोनी भाई बोलो ना भाई, मेरी ऑडियो खराब आ गई थी बीच में। टोनी भाई OSCPN CompTIA Plus सिक्योरिटी, ठीक है। सर मतलब क्या आप क्वेश्चन, टोनी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो आप? कि ना भाई CompTIA OSCP क्या मतलब पहला क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो आप भाई? मैक्सिमम यार इसके लिए खर्चा आता है 4-5 हज़ार रुपया खर्चा आता है यार, बढ़िया लग गई आपकी तो। सर कैन वी एक्सेस द लाइव कैमराज? भाई लाइव कैमराज हाँ बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं, वो तो मैंने बहुत पहले कराया था यार। आप जाओ हमारे हैकर ब्लॉग लाइव पे जाओ, उसमें सब मैंने स्टार्टिंग में कराया है सब। तो लाइव में जाओ, अगर वो लाइव चैनल पे जाओ, नीचे जाओ, नीचे से स्टार्ट करो वीडियो, नीचे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में स्टार्ट करोगे तो मिल जाएगा आपको सब चीज़। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की दो वीडियोज़ है, दोनों में पूरा कंटेंट डाला हुआ है अपन ने भाई। सर OSCP CompTIA सिक्योरिटी प्लस, हाँ जी भाई क्वेश्चन तो पूछो भाई, कोर्स के नाम डाल दे और हाँ जी डाल दे। मैं क्या समझूँ इस कोर्स के नाम से, करना चाह रहे हो सीक्वेंस में करना है, कैसे करना है, ये नहीं करना चाहिए। सर नेटवर्क में तो कैसे हो सकता है, थोड़ा सा हिंट दे दो। मिस्टर रोबोट आपका क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क में कैसे हो सकता है? तो भाई नेटवर्क में पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा उस प्रोजेक्टर का IP एड्रेस क्या है, उसके लिए पहले आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्टली करने जाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उसका IP एड्रेस क्या है, वो कोई पोर्ट पर लिसन कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं कर सकता, और अगर लिसन कर रहा होगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन उस पोर्ट पे वो दे रहा है, उसके थ्रू ट्राई कर सकते हो आप एक बार, ठीक है। सर OSCP के लिए कितना खर्चा पड़ता है? भाई मैंने नहीं करा तो मैं बता नहीं सकता आपको, सॉरी उसके लिए, पर हाँ ये लाख में जाता है कम से कम, ठीक है। इसके अलावा सर टोनी सर CH कर रहा हूँ साइबर रॉ इंस्टीट्यूट इंदौर से, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, CH कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है ना। आगे आप OSCP करें बहुत अच्छी बात है वो भी, सिक्योरिटी प्लस मत करना अगर आपने CH कर लिया तो, ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब सिक्योरिटी प्लस बल्कि कम है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है वो सिक्योरिटी प्लस। सर वारंटी में है सर मेरा सिस्टम अभी, तो ठीक है वारंटी में तो भाई सही करा लो फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ओशियंट करना है, अच्छा ओशियंट करना है भाई, जल्दी लेकर आएगा भाई आपका वीडियो। और अपन खुद भी ये कहना ओशियंट प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन कॉप के नाम से, जल्दी मिलेगा आपको, आप अपने सब्सक्राइबर्स को पहले एक्सेस मिलेगा उस चीज़ का भाई। वायरलेस लैन दोनों किसी में भी होगा, पर आप उसके नेटवर्क में होने चाहिए। स्कैन करना नेटवर्क, अगर आप मिलता है पोर्ट ओपन तो सर्विस चेक करना, और फिर ट्राई करना एक्सेस करने के लिए, एक्सेस हो पा रहा है तो फिर काम चल जाएगा। एग्ज़ाम करना है
क्लियर करने के लिए सर, ऐसा करना है एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए, तो भाई फॉर्म भर देना अगर आपको कुछ करना है, मतलब है ना CEH वगैरह करना है, ठीक है ना, तो आप फॉर्म भर देना भाई, बात हो जाएगी आपकी। गुरुजी आपका मार्गदर्शन बेहतर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप CEH का एग्ज़ाम पहले क्लियर करें, उसके बाद फिर आप है ना, आपको सिक्योरिटी प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CEH आपने ऑलरेडी करा हुआ है। OACP की तैयारी करिए, OACP की तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपको 6 महीना साल भर लगेगा ही सर। जॉनी भाई फ्री में चाहिए, क्या चाहिए भाई फ्री में, क्या चाहिए भाई फ्री के अंदर, ये बताओ आप। तो ठीक है सर, फ्री RDP का कोई मेथड बता दीजिए ना भाई, फ्री RDP का यार मुझे भी पता नहीं, सीरियसली बताओ तो मैं चेक करना पड़ेगा मुझे भी, फ्री RDP का तो मुझे नहीं पता, एक बार आप गूगल पे चेक करना भाई बेटर रहेगा, वरना अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से फिर देखता हूँ, थोड़ा मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ पता है भाई वो क्लियर कट बोल देता हूँ कि हाँ ये पता है, जो नहीं पता वो क्लियर कट बोल देता हूँ कि ये नहीं पता। ज्ञान बांटने का एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं है मेरा कि भाई आता नहीं, जब उसकी बताओ हाँ यार ये करना वो करना। ओशियंट हाँ फ्री में चाहिए, लेकिन अरे भाई फ्री में, भाई फ्री में ओशियंट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की पुलिस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई 1 रुपया चार्ज करने की जरूरत नहीं है, कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है जॉनी भाई, सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग में क्या अंतर होता है बता दीजिए भाई। रेड टीमिंग पेशेंट टेस्टिंग के अंदर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन पे ही करते हैं, और रेड टीमिंग के अंदर भी, रेड टीमिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आता है हमारा, बाहर से ही हम करते हुए ढूंढते हुए आते हैं। ठीक है ना, तो आइदर है ना, मतलब पेशेंट टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हमें स्कोप डिफाइंड होता है कि आपको यही काम करना है, इन्हें IP एड्रेस पे करना है। ठीक है ना, और रेड टीमिंग के अंदर आपके पास स्कोप नहीं होता, बस आपके पास होता है कंपनी का नाम है और आपको जो करना करो, उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग प्लस एक्सप्लेनेशन पार्ट तक पूरा आता है। सर मेरा CISEH यानी मतलब बेसिक हो गया, ठीक है ना, तो हाँ भाई हमारा कर लो भाई, 1 ईयर वाला कर लो बेटर रहेगा, और नहीं तो आप 3 मंथ्स वाला कर लो, दोनों ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, दोनों में जो चाहो वो कर सकते हो। 3 मंथ्स 6 मंथ्स वाले के मतलब 1 ईयर वाले के अंदर ऑप्शन रहता है कि आपको कोडिंग भी आता है, नेटवर्किंग सब आता है उसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ में, और प्लस इंटर्नशिप जो मिलता है हमारे अंडर में वो तो है ही सर, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, प्लेसमेंट की तैयारी करवा देते हैं, सब चीज़ हो जाता है। ठीक है ना, और 3 मंथ्स वाले के अंदर भी है ठीक ठाक चीज़ें उसके अंदर भी, हेलो उसमें भी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग वगैरह तो है ही सर, बग हंटिंग है उसके अंदर भी। ठीक है ना, पर उसमें कोडिंग नहीं करवाते हम लोग, नेटवर्किंग नहीं करवाते। ठीक है सर, प्लीज़ एक बार इस पर रिसर्च करिएगा भाई, अभी वीडियो भाई अभी चैट चल रहा है ना, चैट के अंदर ना डालोगे ना तो मैं शायद याद रख नहीं पाऊंगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगा, वीडियो ख़त्म हो रहा है तो कॉमेंट में डाल देना बस आप। ठीक है भाई, सर दोनों जगह बेटर रहेगा, आपका तरीका गुड है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच टोनी भाई, ज्वाइन कर लो क्या सर गुरु जी CEH आपके पास ज्वाइन कर लो क्या, हाँ भाई हमारे यहाँ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा सर। आई वॉन्ट टू ज्वाइन रॉ एंड NSA बाय द स्किल ऑफ ओशियन, कैन आई ज्वाइन। भाई देखो रॉ और है ना NSA जो आप ये बता रहे हो ना, ये बहुत भारी भारी वर्ड है, ठीक है ना, स्टूडेंट के मुंह पे सूट नहीं करता, और इट्स नॉट दैट मच ईजी, दादू मैं आपको कि ऐसे नहीं कि रॉ ले लेती है, पहली बात तो वहाँ पे इंटरनल हायरिंग होती है ना, वो ऐसे नहीं कि ना मतलब अगर मैं एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट हूँ तो मुझे ले ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, से इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो आपको फाइट करने पड़ते हैं, कुछ ही लोग हैं ना साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो जा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, और ख़तरा बहुत होता है, तो अगर आप इकलौते हैं या फिर आपकी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, यू कैन वर्क फ्रॉम देम, अगर आपको लगता है कि मुझे देश के लिए काम करना है तो यू कैन वर्क फ्रॉम देम। ठीक है ना, पर आप एज अ जॉब के लिए मत सोचना कभी, मैंने भी कभी नहीं सोचा उस चीज़ के लिए, पर मैं काम करता हूँ गवर्नमेंट पुलिस के लिए, एजेंसीज के लिए काम करता हूँ, फुल अंधाधुन काम करता हूँ, फ्री में चीज़ें बना के देता हूँ, फ्री में केसेस सॉल्व करता हूँ, सब करता हूँ मैं, पर जॉब नहीं करता मैं उनके। सर आगे पास क्लास नहीं किया जा सकता है क्या? हाँ भाई मेरे पास क्लास किया जा सकता है, उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके भर देना फॉर्म, डील मिल जाएगी, चाहो तो क्लास ज्वाइन कर लेना मेरी। सर मैं सर BTech इन कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी करूँ या BTech इन साइबर सिक्योरिटी करूँ, क्या सही रहेगा आफ्टर 12th? भाई आफ्टर 12th अगर आप कर रहे हो तो BTech इन साइबर सिक्योरिटी कर लो, बहुत सही है। ठीक है ना, सारी चीज़ें वही कर लोगे, पर एक्चुअल में आपको उसके बाद प्रैक्टिकल डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी, कन्फर्म बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों ने जैसे बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे मान लो JCRC हो गया, जैन यूनिवर्सिटी हो गया, इन सारी यूनिवर्सिटी में मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता होता है कि बच्चों को तब भी कोर्स के बाद में भी प्रैक्टिकल की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो चीज़ है, तो ठीक है साथ में कर लेना आप। सर आपसे करना है तो सर भाई मुझसे करना है तो जेडवर्स फॉर्म दे रखा है। सर इट्स माई ड्रीम, आई कैन डाई फॉर माई ड्रीम, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर तो कर लो ओशियन पे कर लो, पहले CEH करो फिर CHFI करो,
फॉरेंसिक का समझ में आ जाएगा आपको, उसके बाद जाके ओशेट के ऊपर काम करना चालू कर दो। दोनों ये तीनों चीज़ जरूरी होती है। व्हाट्सअप करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है टॉनी भाई, मिलते हैं फिर, बात करते हैं फ़ोन पे आपसे। ऑनलाइन नहीं करना, डायरेक्ट करना भाई। बता दूँ मैं आपको कि मेरे को पता नहीं कि मैं नेक्स्ट 10 दिन के अंदर कहाँ होने वाला हूँ, 5 दिन में कहाँ होने वाला हूँ। सो बेटर रहता है कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन में आप टू वे कम्युनिकेशन, आप हमारा ऑनलाइन दिखोगे ना, आपको पता ही चला ऑनलाइन चल रहा है कि भाई ये लाइव ले रहा है। मतलब अभी भी आपको लग रहा होगा भाई आपके सामने बैठ के बंदा बात कर रहा है, मतलब वो यूट्यूब वाला सीन ही नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। हमारी लाइव में चलता है, आपका कैमरा ऑन, मेरा भी कैमरा ऑन, आपका भी माइक ऑन, मेरा भी माइक ऑन, आपकी जो मर्जी पड़े आप पूछ सकते हैं बीच में ही। ऐसे नहीं कि 55 मिनट में बोलूंगा और 10 मिनट 5 मिनट आपको बोलने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लगता है मन में तब सर मुझे बीच में ही क्वेश्चन पूछना, पूछो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे लगता है मैं बीच में मजाक मार देता हूँ, ऐसे मार ही देता हूँ इधर भी बैठे बैठे। क्लास में भी मजाक चलती रहती है, फुल माहौल में चलती है क्लासेस, और ऑनलाइन बेस्ट है, कहीं से भी आप घर बैठ के भी कर सकते हो। आप आके करोगे, इट कॉस्ट अ लॉट, मतलब फीस तो अलग बात है, आपका रहना खाना पीना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से ऑनलाइन कर लो, वही कनेक्ट मिल जाएगा। बाद में इंटर्नशिप ऑफलाइन करना मेरे साथ में 3 महीने के लिए, 3 महीने आ जाना फिर मेरे पास, फिर यहाँ बैठ के साथ में इंटर्नशिप करेंगे। सर साइबर सेल में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई? भाई साइबर सेल में ज्वाइन करने के लिए आपको पुलिस के लिए जो है ना भर्ती के फॉर्म होते हैं वही आपको सबमिट करने पड़ते हैं। पुलिस वाले सबमिट फॉर्म सबमिट करोगे तभी काम चलेगा, वो आते ना कांस्टेबल के, सब कांस्टेबल के, ठीक है ना, वही सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसी के थ्रू होता है। मतलब डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी कोई एग्जाम नहीं होता वहाँ पे। साइबर सेल में भी ऐसे बंदे बैठते हैं जिन्होंने पुलिस के अंदर काम करा हुआ होता है, मतलब जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ऐसे लोग ही बिठाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो कर रखा है उनका, ठीक है ना। उनका भी कहना सही है, अननोन बंदे को ला नहीं सकते, अपने जैसे खुराफाती बंदा चला जाएगा ना तो 2 मिनट में देशभक्ति की भावना लेकर आ जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा सबका। इसलिए सर मैं अभी जयपुर में हूँ। बहुत बढ़िया भाई मिस्टर रोबोट, बहुत बढ़िया। शायद कुछ दिनों में जयपुर आऊँगा मैं, मिलना फिर ज़रूर, शायद 2-5 दिन के अंदर आऊँगा मैं राजस्थान पुलिस अकेडमी के अंदर, तो तब मिलते हैं भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बीसीए कर रहे हो जयपुर से तो बहुत अच्छी बात है, बीसीए के लिए बहुत अच्छा है जयपुर। कोई और क्वेश्चन गाइस? सेशन को एंड करा जाएगा, अभी 12:30 हो चुके हैं। क्वेश्चन आपके आते रहेंगे तो 1 बजे बंद कर दूंगा, नहीं तो फिर अभी थोड़ी 10 मिनट में बंद कर दूंगा। फास्ट गाइस फास्ट भाई, वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, कम से कम 100 लाइक तो चाहिए यार भाई, वीडियो को लाइक चाहिए, कम से कम 100 लाइक तो मार दो यार, कम से कम मतलब 100 लाइक तो बनते हैं यार भाई, इतना बड़ा कंटेंट लेकर आया आपके लिए और इतनी रात को पढ़ा रहा है तो 100 लाइक तो भाई, 9 लाइक की जरूरत है भाई। CIA मतलब होता है कि ना कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। स्पैडर भाई कॉलेज का नाम पूछ रहे भाई अपन से, मैं भी जयपुर से, टेक स्पैरल भी जयपुर से और मिस्टर रोबोट भी जयपुर से। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, जयपुर आऊँगा, कब आ रहे हो भाई? मैं आऊँगा 2-3 दिन, 3-4 दिन में आऊँगा एक्चुअल में। अभी हमारा कुछ एक नया सेटअप चल रहा है, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाए हमारा, वो हमारा फटाफट कंप्लीट हो जाए एक बार, शायद कल परसों के अंदर वो फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो होने के बाद फिर मैं 2-3 दिन के अंदर फिर हम लोग आएंगे वहाँ पे साइबर सेल के अंदर, ठीक है, तो फुल माहौल रहेगा भाई। तो जयपुर में BCA बेस्ट कॉलेज भाई, BCA भाई कोई सा भी कॉलेज ले लो सब बेस्ट है भाई। मैं कोई कॉलेज की तारीफ नहीं करता क्योंकि सारे कॉलेज इधर ही पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ाते इसलिए, ठीक है ना। फिर बोला तो भाई आपने करा था रेफर और अब चल नहीं रहा, ढंग से काम नहीं करा। BTech इन साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा इंडिया में? भाई बहुत सारे कॉलेजेस हैं भाई इंडिया में, कोई सा भी कॉलेज ले लो सबके अंदर आपको पढ़ना एक्स्ट्रा ही पड़ता है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। अरे स्पाइडर भाई तू है ना स्पैम मत करा कर भाई, तेरे जब भी कमेंट देखो ना हमेशा ब्लॉक करने का मन कर जाता है मुझे, इतने तो तू स्पैम मारता है। एक क्वेश्चन डाल जाकर भाई, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ 1 बाय 1, ठीक है ना। बट सर मैं बहुत बंदों को देखा है वो बिना पुलिस के एग्जाम दिए साइबर सेल में हो गए भाई, पता नहीं उनका नहीं, साइबर सेल में बिना एग्जाम दिए नहीं होते, साथ में काम कर सकते हो पर कोई जॉब आपकी ना सैलरी नहीं देता। मतलब अभी मैं भी साइबर सेल के लिए काम कर रहा हूँ पर ऐसा बोलोगे तुम तो मतलब जॉब करे तो वैसा नहीं है। हैकर बॉय ने पूछा BTech इन साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्स, भाई कोई सा भी कर लो, कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है, समझ में आ गया? रोबोट भाई कहाँ से कर रहे हो? अरे भाई रुको भाई, स्पैडर भाई इतने क्वेश्चन डालते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए सर कब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो भाई फॉलो कर लेना हैकर ब्लॉग ऑफिशियल, उसी की स्टोरी पे डाल दूंगा मैं एक दिन पहले जब मैं आ रहा हूँगा, और जहाँ आ रहा हूँगा वहाँ मैं मैसेज डाल दूंगा। तो भाई अगर आप मिलना चाहो ना तो आप आके मिल सकते हो मेरे से, अगर एक बंदा ही मिलना आता है ना तो मैं उनसे ही मिलता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई 10 बंदे 50-100 बंदे होंगे तभी मिलता है, ऐसा नहीं है, 1-to-1 भी मिलता हूँ मैं। अगर आप आ रहे हैं कहीं से, मैं अपने लोकेशन डालता हूँ भाई मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो अगर आप आए तो मतलब अगर आप उसी जगह रहते हैं वहीं पे, मतलब अलग से ट्रैवल करके मत आओ क्योंकि ऊपर नीचे टाइमिंग हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी वेट करो, पर अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो आप आ सकते हैं मिलने के लिए, मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप बोलोगे
कि हाँ सर कमेंट में, वीडियो कमेंट में डाल देना सर जयपुर से, जयपुर से जितने लोग जयपुर से होंगे सर वीडियो में कमेंट में डाल देना सर तमन भाई जयपुर से हम लोग, तो मैं देख लूँगा भाई फिर इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको, कोई इशू नहीं है भाई। साइबर सेल ज्वाइन करने का एक तरीका है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होती है, भर्ती होती है, वो दे दो, सिंपल तरीका। गाइस कोई और क्वेश्चन, अदरवाइज सेशन को एंड करा जाएगा फास्ट फास्ट। भाई आवाज़ ही बिल्कुल चेंज हो गई। डन सर, आइए मिलेंगे आपसे, बिल्कुल भाई मिस्टर रोबोट भाई बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे आपसे। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से सेशन को यहीं पर एंड करा जाए, अब काफ़ी कुछ हो गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा सर बीटेक सीएस या बीसीएन फॉर साइबर सिक्योरिटी, भाई बीटेक सीएस कर लोगे तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। बीसीए साइबर सिक्योरिटी में ये रहता है इशू कि ना मतलब सीखते उसमें भी नहीं हो तुम कुछ भी, ठीक है ना, तो इसलिए मतलब ये कि डिपेंड करता है, बीटेक कर लो मेरे साथ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले कॉलेज को बोल देना भाई मैं आऊँगा नहीं रेगुलर, क्योंकि आपको बीटेक के दौरान आपको काफ़ी कुछ जगह है ना मतलब काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी हमारे चैनल से देख के, ऐसे ही ऑनलाइन भी, तो पहले ही इन्फॉर्म कर देना कॉलेज को कि भाई हम तो क्लासेस कम आएंगे, ऐसा ही कॉलेज चूज़ करना क्योंकि कॉलेज का नाम कभी आता नहीं है आपकी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। कोई भी बड़े बड़े कॉलेजेस, जैन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी आपको ना प्लेसमेंट दिला नहीं पाती है। जैन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है प्लेसमेंट दिला नहीं पाती है। हाई सर, हाई सॉरी फॉर वेट। फैजान भाई कहाँ थे यार, आज सेशन के अंदर थे ही नहीं आप, मिलते थे जयपुर में और कोर्स के रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, टेक स्पायरल भाई अगर आपको कोर्स रिगार्डिंग कुछ डिटेल चाहिए फॉर्म दे रखा है भर देना, और फिर मिलते हैं जयपुर में फिर और बात करते हैं। आप चाय पिलाएंगे फिर आप अच्छी चाय कहाँ मिलती है, लेके चलना भाई, अपन चाय से ऊपर जाते नहीं है भाई, फेस टू बिंदास रहेंगे भाई, बिंदास भाई फेस टू फेस, शानदार। कब होती साइबर सर साइबर सेल का, भाई एक बार आपको चेक करना पड़ेगा भाई गूगल पे जाके, भाई मुझे नहीं पता भाई मैंने कभी सर्च ही नहीं करा, गूगल पे चेक कर लेना भाई मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, तो ठीक है ना। भाई 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे, कब होती है भाई, अरे भाई अरे स्पाइडर भाई का यही दिक्कत होता है, ये इतना स्पैम मारता है। अरे भाई अभी चैट बॉक्स में चल रहे हैं भाई, सर मैं रहने दूं तो आईडी सब्सक्राइब किया है सर, मैं रेहान दुआड़ी से सब्सक्राइब करा, थैंक यू सो मच फैजान भाई, रेहान भाई चेक कर रहे थे भाई कितने हो गए भाई, 94 भाई, 6 लाइक्स रिमेनिंग भाई। हाउ टू हैक फुल नेटवर्क, हर्षल भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा ढंग से देख लेना आप, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेना, पूरा नेटवर्क हैक कर दिखाया मैंने इसके अंदर, ठीक है ना भाई। जरूर सर चाय पियेंगे, बिल्कुल चाय पियेंगे, शानदार भाई। सर बगबाउंडी के बिगनर वीडियो कहाँ पे मिलेंगे, खान सलमान भाई अगर आपको बिगनर वीडियो चाहिए बग बाउंड्री के, तो आप अभी हमारे हैकर ब्लॉग के ऊपर आप है, ठीक है, हैकर ब्लॉग में नीचे स्क्रॉल करेंगे सर, फॉर्म तो नज़र नहीं आ रहा है भाई, चेक करो एक बार, फॉर्म मैंने ऊपर डाल रखा है, ऑफिस डाल देता हूँ मैं, ऑफिस डाल रहा हूँ भाई, मैं फॉर्म देख लेना एक बार, डाल दे भाई मैंने फॉर्म, ठीक है ना। आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, देखो यहाँ पे देखा आपके सामने हैकर व्लॉग लाइव दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे हैकर व्लॉग लाइव पे, तो यहाँ पे बिगनर के लिए सारे बगंडिंग के वीडियोज़ है, लाइव में जाना नीचे से शुरू करना, वन बाय वन सारे बगंड करते चल जाओगे, श्योरली आपको बग मिलेंगे। सैलरी मिलती हो साइबर सेल में भाई, सैलरी मिलती पर कोई पर्पज़ नहीं है करने का भाई, देखो गवर्नमेंट जॉब है ना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है भाई, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, पर आप में खुराफाती है, पैसे कमाने का जुनून है, तो प्राइवेट जॉब करना लाखों कमा सकते हैं, गवर्नमेंट में हज़ारों में रह जाओगे, मतलब पर मंथ की बता रहा हूँ मैं तो आपको, पर हाँ ये कि गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन ये मिलता है कि भाई आप लंबे समय तक कमा सकते हो, दैट इज़ वेरी मच गुड। जब प्राइवेट जॉब में जब लात देके बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ, ऐसा वाला सीन है। तो थैंक यू सर बीफ के पर वीडियो लेने के लिए, इतना थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू रेहान भाई, मुझे बच्चों ने बोला था बहुत टाइम से मुझे बोलते थे तो मतलब बीफ पे लेकर आओ, मैं चलो ठीक है आज लेकर आते हैं बीफ पे वीडियो, सब्सक्राइबर मांगे तो सर पूरा ना करें कैसे काम चलेगा। सर फिशिंग लिंक वर्क नहीं करता है सही है, सर मैं फिशिंग लिंक वर्क नहीं करता है सही से, भाई फिशिंग लिंक काम इसलिए नहीं करेगा, सेट टूल किट का तो छोड़ ही दो भाई, मत करो उसके ऊपर, तो नहीं काम करेगा यार वो, इसी का यूज़ कर लो या फिर कुछ और देख लो।
फिर विच सर्टिफिकेशन बेस्ट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी? ओएसीपी और सीजीआई। ओएसीपी ऑब्वियसली बात है बहुत बेस्ट है, पर डायरेक्टली ओएसीपी मत करना, सीएच करिए करना ओएसीपी। अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी फिर कोई मतलब नहीं करने का। मेरे पापा आर्मी में है, बिल्कुल आर्मी में तो जानते होंगे, फिर बताया आपको, और जॉब का भी देखा होगा आपने, सीन बहुत तगड़ा रहता है यार। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, आप इसे डायरेक्टली छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आप है ना, मतलब फैमिली को कम टाइम दे पाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है यार, देश पहले होता है उसके लिए। इसलिए मतलब अगर आपको लगता है कि जाओ, अगर आपके लिए देश इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ से भी ज़्यादा और फैमिली से ज़्यादा, तो गो विद द आर्मी और साइबर आर्मी के लिए, जो भी आप चाहें। सर हैक करना पॉसिबल है तो, है तो कैसे? तो भाई डेनिस मिस्त्री ने क्वेश्चन पूछा है, सर एंड्रॉयड वर्जन 13 हैक करना पॉसिबल? भाई हैक का मतलब बता दें आप मुझे, हैक में क्या करना चाह रहे हैं आप, फ़ोन से क्या करना चाह रहे हो? सर सारे क्रैक सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेंगे? हर्षल भाई सारे क्रैक सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे गेट इनटू पीसी के ऊपर। एक अपना भी है hackingtool.in, इस पर भी ट्राई कर लेना, ये लिंक डाल रहा हूँ मैं, इस पर ट्राई कर लेना एक तो। ओ भाई 100 लाइक हो गए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए, 100 लाइक्स। और गेट इनटू पीसी भाई, इस पर मिल जाएंगे सारे क्रैक टूल, ठीक है। परफेक्ट भाई परफेक्ट, शानदार मजा आ गया। सेट फिशर और हिडन स्पाइस से कर लो भाई फिशिंग का। टैग स्पाइरल थैंक यू सो मच भाई रिकमेंड करने के लिए। सर जीएफई गैलरी क्या बात है भाई, गर्लफ्रेंड की गैलरी की पीछे पड़े रहोगे भाई? जितना पैसा खर्च होता है ना हैकिंग के अंदर, इतने में तो चार ही गर्लफ्रेंड आ जाएगी। मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोच लो, ठीक है। मेटा एक्सप्लॉइट, सर मेटा एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट करने से एंड्रॉइड 13, भाई ये मेटा एक्सप्लॉइट मत सोचो, कोई मतलब नहीं है भाई। एंड्रॉयड जो है ना ये बहुत सिक्योर है अभी इस टाइम पे, लेटेस्ट वर्जन के अंदर करोगे ना स्टेबिलिटी नहीं होगी, टाइम वेस्ट करोगे, काफ़ी सारी वीडियोस देख के, और अल्टीमेटली काम कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। अभिषेक 101 क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच भाई, 101 लाइक, अच्छे व्यूज़ आ गए, ठीक ठाक व्यूज़ आ गए हमारे। सर वाईफाई, सर हैकिंग में फ्री में कोर्स कैसे ले? भाई हैकिंग में फ्री में कोर्स आपका भाई पढ़ा तो रहा है ना, क्या चाहिए अब, कोर्स में ही तो होता है, डेली क्लासेस होती है, ले तो रहा है भाई, ज्वाइन करो ना भाई डेली, हमारे ऑलमोस्ट डेली चलती है भाई क्लास, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जो हम छोड़ देते हैं, कभी कभार छूट जाए वो बात अलग है, कल नहीं हो पाया था ना, थोड़ा सा मैम का सेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है ना, कभी कभार होता है, मेरा भी कई बार छूट जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैम का सेशन है कल, ज्वाइन ज़रूर करना, ठीक है ना। टाइमिंग थोड़ा सा 9:30-9:30 का होगा, ये ना टाइम चेंज हुआ वैसे तो इसका, ठीक है ना भाई। आपका भाई यहाँ पर लाइव सेशन ले रहा है फ्री में, क्या चाहिए अपन को? सर वो लोकल नेटवर्क में काम करता है बट वीलैन में नहीं करता। हाँ बिल्कुल भाई वीलैन में नहीं करता है, कैम स्क्रीन कॉल लॉक्स एमएसजी, तो भाई इसके लिए आप है ना शेडो स्पाई यूज़ कर लो, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि ना मैं मेटाएक्सप्लॉइट के थ्रू लिंक बना के भेजूंगा, वो ऐप इंस्टॉल करेगा भाई अपना, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, कोई मतलब नहीं। पेड हैकिंग कोर्सेस सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे भाई? पेड हैकिंग सॉफ्टवेयर कहीं से जरूर मिलेंगे नहीं आपको भाई। पोर्ट फॉरवर्डिंग बता दो 888 पे रैट के लिए, तो भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है तो AWS, एक नंबर भाई एक नंबर, इसके ऊपर वीडियो लेकर आएगा भाई आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो इस पर होगी AWS के ऊपर, अगर आपको ये इंस्टॉल करना सीखना है तो फिर भाई कैसे बना सकते हैं इसको, कैसे होस्ट कर सकते हैं, तो वो भी डाल देना वीडियो के अंदर, कमेंट के अंदर डाल बना दूंगा उसके ऊपर, अभी नहीं वीडियो खत्म होने के बाद डालना भाई। सर मेटा एक्सप्लॉइट के लिए के जरिए परसिस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं क्या? भाई कर सकते हैं पर मैं स्टेबल नहीं मानता उस चीज़ को, तो इसलिए कोई करने का कोई पर्पस नहीं है भाई। जेड फिशर और हिडन स्पाई से वीलैन के लिए भी लिंक बना सकते हैं क्या गंजी रॉक से? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, पर एंजुरैक वगैरह है ना सब, ये टेम्परेरी वर्क करता है भाई। भाई शेडो स्पाई जो है ना फ्री है दो दिन के लिए, एक या दो दिन के लिए, उतने में काम हो जाएगा भाई। बग हंटिंग के लिए कोई यूनिक बग बता दीजिए भाई। बग हंटिंग के लिए यूनिक बग जो होगा ना वो पैरामीटर फॉर्म टेम्परेरी होता है, मस्त होता है शानदार। 888 यूजिंग का वीडियो बताओ, तो भाई देखूंगा भाई इसके ऊपर मैं लेकर आता हूँ वीडियो कोई, ठीक है ना। सर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा ना? हाँ भाई बिल्कुल अपलोड रहेगा ये वीडियो, टेंशन मत लो कहीं नहीं जाने का भाई। ये सब्सक्राइब करें चैनल को और है ना आगे दोस्तों तक फैलाते रहें भाई चैनल को तगड़े तरीके से। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा फॉलो कर लेना भाई, अच्छे अपडेट्स के लिए हैकर ब्लॉग ऑफिशियल को फॉलो ज़रूर करना भाई। चलो गाइस सेशन को एंड करने का काम आ गया, हार्डेस्ट, क्या बात है, बहुत हार्ड सेशन, बहुत हार्ड होगा मेरे हिसाब से, तगड़ा फुल शानदार। तो फिर कैसे करेंगे फिशिंग लिंक्स? भाई फिशिंग लिंक एक बार देख लेना, मैं खुद भी इस पर इतना काम नहीं करता, मतलब कंपनी के लिए काम करते भाई।
रिमोटली सीसीटीवी हैकिंग पॉसिबल है? नहीं भाई, होते सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू करते पर वो इतना प्रोमिनेंटली नहीं है। डीडोस बेस्ट टूल एचपिंग 3 यूज़ कर लो, ठीक है ना। उसके अलावा एक वो भी है, क्या नाम है, एचटीटीपी डोस, वो भी अच्छा है, डाउन कर देता है। डिस्कॉर्ड पे भाई, डिस्कॉर्ड पे नहीं हम लोग सर। तो फिर स्टेबल पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए क्या यूज़ करें भाई? आप उसके लिए AWS मशीन पर होस्ट करें आपने मालवेयर को, स्टेबल होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करना ईजी है, सीधे फार्मर को अलाउ करना है पोर्ट पे, खत्म बात। सर आपने अपने पॉडकास्ट चैनल पर और लोगों को बुलाए जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, उनकी जर्नी जानने के लिए फॉर मोटिवेशन? हाँ भाई बिल्कुल, हैकर हैकर बॉय हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग नए हमारे चैनल के ऊपर बाहर के लोगों को लेके आएंगे, पर पहले हम दोनों से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो भी है ना इश्यूज़ वगैरह ना, मतलब ये देखो क्या है कि यार नया चैनल है, तरीका सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी बिल्कुल हम थोड़ा डिफरेंट कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, देखोगे ना वीडियो थोड़े डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, तो मतलब पता नहीं कब क्या गलती हो जाए ना हमसे, इसलिए हम लोग है ना क्या है कि इसके अंदर ट्राई कर रहे हैं कि अभी फिलहाल हम खुद ही कर रहे, दिख रहा है ना भाई चप्पल में बैठा हुआ, मतलब बिना नंगे पैर बैठा हुआ है, समझ मारा आपको भाई, मतलब अभी से सीख ही रहे ना यार, तो अभी इतना अच्छा प्रोफेशनल नहीं हुआ है, इसलिए हमने स्टार्टिंग सोचा कि रिद्धि मैम और मैं, हम दोनों हमारे पे कर लेते हैं ताकि जब उसके बाद नेक्स्ट वाला आए ना तो वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखे वो। फैट रैट मॉप्स, सर एंड्रॉयड हैकिंग फ्रेमवर्क बता दे लाइक द फैट रैट मॉप्स। भाई मैंने भी ट्राई नहीं करा, मैं ट्राई कर देखूंगा भाई, मुझे को पता नहीं है सर। स्टेबल पोर्ट फॉरवर्डिंग, सर स्टेबल पोर्ट दे दिया मैंने इसके लिए। सर हार्ड डिस्क करप्ट, डेटा रिकवर कैसे? तो भाई रिगल भाई, अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, डेटा रिकवर करना आपको, करप्ट हो गया मतलब कि डेटा फॉर्मेट हो गया या फिर वो हार्ड डिस्क चल नहीं रही, दो तरीके से होता है। अगर हार्ड डिस्क चल नहीं रही तो डिफरेंट तरीका आता है, ठीक है, चिप लेवल रिपेयरिंग होती है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि ना इन केस अगर डेटा करप्ट हो गया है और मान लो फॉर्मेट हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ गेट इन टू पीसी पे चल जाना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको। सर कंपनी के लिए भी तो करना पड़ेगा ना? बिल्कुल भाई, कंपनी के लिए नॉलेज तो रहना चाहिए ना। यस 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 भाई, कंपनी के लिए करने की जरूरत नहीं है, फिशिंग अटैक्स बहुत कम कंपनीज करवाती है, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं पड़ती, पर ठीक है तब भी सीख लो आप, बढ़िया रहेगा। हैकिंग रिलेटेड बुक भाई ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे चल जाओ hackingtool.in, अपने भाई का है यार, जाके चेक करो ना भाई, साइड बना रखा है, इसमें सब मिलेगा आपको, लाइव बुक वगैरह सब मिलेगा। ये देखो यहाँ पे बुक दे रखा है, हैकिंग बुक है सारी की सारी, ये सारी बुक दे रखी है आपने, इवन वीडियो भी अवेलेबल है भाई, जाके चेक कर लेना कौन सी बुक किस लिए काम आता है, ठीक है। डाउनलोडिंग भी दे रखा है सर। पेरिशन टेस्टिंग के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? भाई यहाँ पे सब दे रखा है, रेड एक्सप्लोइट के लिए ये वाला, वेब एप्लीकेशन के लिए ये वाला, ठीक है भाई। डीडोस अटैक के लिए ऑलरेडी वीडियो है भाई, चेक करो भाई, लाइव स्ट्रीम में जाके चेक करो भाई एक बार, हमारे टैब पे जाना, लाइव पे क्लिक करना और नीचे स्क्रॉल करना, डीडोस के लिए ऑलरेडी वीडियो दे रखी है भाई। फ्री है, फ्री बुक फ्री है भाई, फ्री, कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा सेशन से, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं वीडियो के एंड में कैसा लगा आज का सेशन। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।